देता हूँ, वो जल्दी हमसे जुड़ रहे होंगे, तो कृपया थोड़ा देर इंतजार करें। ओके, तो यासिर आप इस वक्त अमेरिका में हैं, जी हाँ, शिकागो इलियोनॉस। जी हाँ, मैंने स्पेल सही किया? इलियोनॉस, इलिनॉय, इलियोनॉय। एस साइलेंट। आई सी ओके कूल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यासिर, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ और इस्लामिक स्टडीज मेरा स्पेशलाइजेशन है। सॉरी, आप एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में क्या है? मैं टीचर हूँ, टीचर हूँ। तो आप इंडिया, भारत में कहां से हैं? देवबंद से, शायद आपने नाम सुना हो। जी, नाम तो सुना है। अच्छा, ओके, सही। तो आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? सेक्ट तो हमारा, सीधी सीधी बात ये है कि मैं खुसूसन अपने बारे में कहूँगा, मैं सेक्टेरियनिज्म में बिलीव ही नहीं करता हूँ। तो आप सिंपली अगर मुझसे ये पूछे मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी सेक्ट में बिलीव नहीं करता। ये मेरा मुख्तसर सा ओके, कह लीजिए इंट्रोडक्शन है। जी सही। ठीक है, तो आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट पे विश्वास रखते हैं? स्कूल ऑफ थॉट हमारे यहाँ जो लॉ है उसमें चार हैं, और उसमें सबसे एक हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये चार हैं। उसमें जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ वो हनफी है। हनफी। ओके, अच्छा, तो देवबंदी किसको कहते हैं और हनफी में क्या डिफरेंस हुआ फिर? देवबंदी, जितने भी देवबंद असल में एक मदरसे का नाम है, तो उससे पढ़े हुए जितने भी लोग हैं वो देवबंदी हैं, या उसके जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज को समझने की, तो जो लोग उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करते हैं या उसको एडहियर करते हैं वो देवबंदी कहलाते हैं। तो मेजोरिटी, 99% जो देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो हनफी फिकही को फॉलो करते हैं। तो सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हनफी एंड देवबंदी। तो जैसे आपने सुना होगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कॉमनली दो तरह के मुसलमान हैं जो वास्ट मेजोरिटी में हैं। उसमें हनफी, सॉरी, देवबंदी भी हैं और बरेलवी भी हैं। ये दोनों ही जो स्कूल्स हैं, ये दोनों हनफी के तहत आते हैं, गोया कि ये दोनों हनफी फिक को फॉलो करते हैं। तो इस तरह, इस एतबार से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, अच्छा, एक बार आप प्लीज मुझे वो फोर जो आपने बताए थे स्कूल ऑफ थॉट्स, एक बार प्लीज धीरे से बता देंगे ताकि मैं नोट कर पाऊं? हाँ, उनमें सबसे पहले है हनफी, उसके ओके बाद है मालिकी, ओके उसके बाद है शाफ़ई, और उसके बाद है हम्बली। मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताए हैं उनके जो एग्जिस्टेंस का भी ऑर्डर यही है। सबसे पहले जो है द मोस्ट सीनियर जो है वो, और द ओल्डेस्ट जो है वो है हनफी है, उसके बाद मालिकी है, उसके बाद शाफ़ई है, और उसके बाद हम्बली है। वो इसी ऑर्डर में आए। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे आप पहले ये बताएं कि ये जो डिविजन्स क्रिएट हुए हैं, ये किस रीजन के वजह से ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हुए हैं? ये डिविजन्स नहीं है बल्कि ये डिफरेंसेस हैं। ओके डिविजन और डिफरेंस में बड़ा फर्क होता है। ओके डिविजन नेगेटिव चीज है और डिफरेंसेस पॉजिटिव चीज है। ओके जब एक कॉन्सेप्ट में आपकी, क्या मेरी वीडियो बार बार रुक रही है? अभी रुकी थी कुछ देर के लिए बस, बट अच्छा, ये अदरवाइज पता नहीं क्यों मेरे उसमें नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे हैं, तो ये वीडियो रुक रही है। सॉरी अबाउट आप दैट। एक चीज ट्राई कर सकते हैं, वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड अगर आप ऑन कर लेंगे या टोटल हाँ, साइलेंस। एग्जैक्टली, हाँ, मैं वही करता हूँ, रुकिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिवीजन होता है वो एक नेगेटिव चीज है, कि डिवीजन में होता ये है कि मेरी जो ओपिनियन है वो सही है और आपकी जो ओपिनियन है वो गलत है। तो जो मेरे फॉलोअर्स होंगे वो मुझे सही समझेंगे और आपके फॉलोअर्स, ये डिवीजन है और इस्लाम ने इसको कभी भी इनकरेज नहीं किया है, बल्कि हमेशा इसको कुरान में, हदीस में डिस्करेज किया गया है। जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि एक इशू के ऊपर दो लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, और मैं ये तो कह सकता हूँ कि मेरी राय और मेरी ओपिनियन बेहतर है और आपकी राय जरा कुछ कम दर्जे की है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी राय गलत है। उसमें फायदा ये है कि जो हमारे बाद लोग आएंगे, अगर वो हम दोनों की ओपिनियंस को देखेंगे, तो उससे
अगर उनको मेरी राय अच्छी लगेगी तो वो मेरी राय को फॉलो कर लेंगे, आपकी राय को उनको अच्छी लगेगी तो आपकी राय को फॉलो कर लेंगे। तो एटलीस्ट उनके पास कुछ इवेल्युएशन करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए दो ओपिनियंस हैं एक इशू पे, तो इसी को डिफरेंसेस कहा जाता है। और ये डिफरेंसेस जो हैं कि फर्स्ट जो सेंचुरी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सेंचुरी में आप सल्लम थे उसके 100 साल के अंदर अंदर ये जो पहला स्कूल है उसके एंड में ये तकरीबन बन गया था 100 साल के बाद कह लीजिए आप। और उसके बाद फिर फौरन ही उसी जमाने में यानी ये कह लें आपके 50-70 ईयर्स जो है ये 4 स्कूल ऑफ थॉट आ गए थे। लेकिन अब अगर कोई ये सवाल करे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए हैं तो इनकी क्या अथॉरिटी है और क्या वैलिडिटी है, तो ये वो आदमी तो सवाल कर सकता है कि जिसको हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड नहीं पता। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री और बैकग्राउंड पता है तो फिर ये सवाल जो है यानी ये एक आदमी की इग्नोरेंस की दलील होगा। मैंने आपसे ऑलरेडी एडवांस में ये इसलिए कह दिया चूंकि हो सकता है कि आप मुझसे ये सवाल करें। ये जो 4 स्कूल हैं एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन ओवर 100,000 कंपेनियंस थे। उन 100,000 कंपेनियंस में कुछ हैंडफुल ऐसे थे जिनको आप मतलब आसानी के साथ गिन सकते हैं, 10-12-15 होंगे जो जिनको फिक्र में अथॉरिटी थी। उनमें एक मशहूर नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद का, उनमें एक मशहूर नाम है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह का, उनमें एक मशहूर नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह का। ये चंद लोग हैं कि जो फिक्र में अथॉरिटी रखते थे। तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं वही दरअसल ये जो 4 स्कूल ऑफ थॉट बने हैं ये उनका बेस है। तो ये आगे चलकर इन 100 साल के बाद उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में पूरी मुसलमानों के सामने पेश किया। उससे पहले ये अनऑर्गेनाइज थे लेकिन ये 4 स्कूल मुख्तलिफ अंदाज में थे, मुख्तलिफ नामों से थे। सिर्फ ये हुआ कि 100 साल के बाद ये थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गए। ओके, तो जो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 डिफरेंट या जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो शुरू से थी और वो बस है कि ऑर्गेनाइज नहीं थी और इस फॉर्म में नहीं थी, उसको बाद में ऑर्गेनाइज और लेबल्ड कर दिया गया। हाँ जी हाँ। ओके अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जो शिया होते हैं वो इन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स में कहाँ फिट होते हैं? वो इन चारों में कहीं फिट नहीं होते। शियों का समझ लीजिए कि एक 5th स्कूल ऑफ थॉट है फिक के मामले में, जब बात आती है इस्लामिक लॉ की तो उनका फिक अलग है और वो फिक जाफरी को फॉलो करते हैं। फिक जाफरी जो है काफी चीजों के अंदर डिफरेंट है और उसको आप ये कह सकते हैं कि ये डिविजन है, ये डिफरेंसेस नहीं है, ये डिविजन है जिसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो अगर आप एक सूफी से पूछें कि क्या वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहेगा तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो अच्छा ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब एक बात मुझे बताएं कि अगर जो आपने पहले 4 स्कूल ऑफ थॉट्स बताए, अगर उसमें से एक बंदा जंप कर रहा है फ्रॉम वन स्कूल ऑफ थॉट टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट, तो हाउ विल ही बी व्यूड, उसको कैसे देखा जाएगा? कैसे भी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जंप करने का मतलब जंपिंग बैक एंड फोर्थ अगर है तो वो गलत है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं मसलन एक हनफी फैमिली में पैदा हुआ तो इसलिए मैं हनफी हूं, लेकिन मैं बड़ा हुआ मसलन मैंने मुझे शाफी बन जाना चाहिए या मुझे मालिकी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो मैं सिंपली मालिकी स्कूल ऑफ थॉट से के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं। लेकिन जब मैं जंपिंग बैक एंड फोर्थ करूंगा, यानी एक दिन मैं मालिकी ओपिनियन ले लूंगा, दूसरे दिन शाफी ओपिनियन ले लूंगा, तीसरे दिन मैं हनफी ओपिनियन ले लूंगा, तो मैं दरअसल इन ओपिनियंस को फॉलो नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं अपनी आसानी को फॉलो कर रहा हूं। और अपनी आसानी को और अपनी ख्वाहिश को फॉलो करना ये नेगेटिव है इस्लाम में, ये गलत है। सही। तो एक कमेंट है यहाँ पे, मैं उसको ले लूं कि आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है? आती है जी। सही, ठीक है। तो आप एक चीज मुझे ये बताएं फिर कि इनमें जो ब्रॉड लेवल में अगर थोड़ा समराइज करके अगर हम कहें तो ये 4 कमेंट्स जो हैं, कुछ कमेंट्स चूंकि उसमें भी आ रहे हैं उर्दू में, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मेरी वीडियो कट रही है, क्या आपके पास ऐसा है या हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं उनका इंटरनेट कुछ, मेरी वीडियो कट रही है?
थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा बीच में बफरिंग हो रहा है, बट इट इज बेरेबल. मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ एंड इट इज मैनेजेबल. ओके तो हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि इन जो चार स्कूल ऑफ थॉट्स में ब्रॉड लेवल में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं? सवाल रिपीट कीजिएगा, सॉरी. जी, तो ये जो चार स्कूल ऑफ थॉट्स आपने बताए, इनमें ब्रॉड लेवल में क्या इनकी डेफिनेशंस क्या होगी और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? अच्छा, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हम अपने हाथ उठाते हैं, उसके बाद हाथ बांध कर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, एक सूरत कुरान की तिलावत करते हैं, उसके बाद हम रुकू में जाते हैं. तो जब हम रुकू में जाते हैं तो अब यहाँ दो ओपिनियंस हैं कि क्या रुकू में जाते वक्त हमें अपने हाथ उठाने चाहिए दोबारा ऐसे अल्लाह अकबर कहकर फिर हम रुकू में जाएं, या ये कि हम बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएं. तो जो हनफी पोजीशन है वो ये है कि अब हाथ नहीं उठाने हैं, और जो मसलन शाफी पोजीशन है वो ये है कि हाथ उठाने हैं, और दोनों बातें हदीस में हैं. तो ये एक इख्तलाफ, एक माइनर. इसी तरीके से जब हम नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर, तो खुसूसन वो नमाजें कि जिसमें जो रिसिटेशन है वो आउट लाउड है, यानी इमाम जो है वो जोर से तिलावत कर रहा है. तो जब उसने सूरह फातिहा पढ़ी, तो जो लोग पीछे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं, जब वो सूरह फातिहा के एंड में जोर से आमीन बोलेंगे या वो आहिस्ता से आमीन बोलेंगे, तो हनफी पोजिशन ये है कि आहिस्ता से बोलेंगे, जो शाफी पोजिशन है वो ये है कि जोर से बोलेंगे. तो इस तरह के इख्तलाफात हैं, इस तरह के डिफरेंसेस हैं. ओके, सही. तो बहुत माइनर चीजें हैं बेसिकली. यानी तो आप इसमें ये अगर नहीं आप सबसे देखेंगे, मेजर चीज आप मुझे बता, आपको कहीं ये इख्तलाफ नहीं मिलेगा कि मसलन हनफी स्कूल में ये कहा जा रहा हो कि आपको नमाज पढ़नी है और शाफी स्कूल में कहा जा रहा हो कि नहीं पढ़नी है. ये एक मेजर इख्तलाफ है, ठीक है. इख्तलाफ इसमें है कि कैसे पढ़नी है, ओके. हाथ उठा के इस खास, यानी उस नमाज की एक खास पोजीशन में हाथ उठाने के नहीं उठाने, तो ये माइनर इख्तलाफ है. ओके, ठीक है. आप मुझे इसमें से सबसे जो मेजर मेजर इख्तलाफ है वो कौन सी होगी इन चारों के बीच, आप रिकॉल करें तो? ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ना दो, यही मोस्ट मेजर इख्तलाफ है. अच्छा, और मेजर इन इन द सेंस के इस पे डिबेट्स बहुत हैं, इस पे यानी जो एविडेंसेस हैं वो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हैं, लेंथी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं. ये एक जो आपके सामने, एक जो हमें, मुझे और आपको और एक लेमैन को जो एक माइनर लग रहा है, वही दरअसल मेजर है. अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि जो मेजर नहीं होगा वो कितना माइनर होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है, समझ में आ रही है बात मुझे. ठीक, तो एक और चीज बताएं कि फिर जो अहमदिया है और कादियानी है उनमें क्या डिफरेंस होता है? अहमदी और कादियानी में कोई डिफरेंस नहीं है उनका. वो अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम उनको कादियानी कहते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल नाम था वो कादियानी था, बाद में उन्होंने उसको चेंज करके अहमदी कर लिया है. और पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसका इस बात पर इत्तेफाक है, ये बाई कंसेंसस, ये एक उनका एग्रीमेंट है गुज़िश्ता 150 सालों से, कि जो कादियानी है उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. चूंकि जो इस्लाम का जो फंडामेंटल बिलीफ है वह है फाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफिट, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, और इस फंडामेंटल बिलीफ के खिलाफ कोई भी जाएगा उस वो मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे वो अपना नाम मुसलमान रख ले, चाहे वो कुरान पढ़ ले, इट डजंट मैटर टू अस. इसलिए कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं, हमारा मकसद ये है कि इस्लाम जिस तरीके से आप पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके कंपेनियंस को दिया गया और आपके कंपेनियंस से हम तक पहुंचा है, अगर कोई उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में मानता है तो वो मुसलमान है, अगर वो उसमें तब्दीली कर देता है तो वो मुसलमान नहीं है, स्पेशली जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं. तो फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट जो है वो फंडामेंटल बिलीफ है. अब अगर कादियानी दुनिया में 1 बिलियन भी हो जाए तो उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम सिर्फ इसलिए उनको शामिल नहीं करेंगे कि भाई हमारा नंबर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो वो आपके हिसाब से नॉन मुस्लिम हैं, तो उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाएगा? उन्हें जो है मतलब इस्लामिक वर्ड क्या होगा उनके लिए? वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, यही इस्लामिक वर्ड है. गैर मुस्लिम है, ठीक है. तो काफिर कौन होते हैं और मुशरिक कौन होते हैं? काफिर
हर वो शख्स है जो इस्लाम के फंडामेंटल बिलीफ को नहीं मानता, और मुशरिक वो है जो आइडल वर्शिपिंग करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो ये कहता है कि मैं इस्लाम के फंडामेंटल बिलीफ को मानता हूँ, लेकिन मैं मंदिर भी जाऊंगा और जाके मूर्ति के सामने सजदा भी करूंगा, तो वो मुशरिक है। एक आदमी ये कहता है कि मैं आइडल के सामने, किसी मूर्ति के सामने सजदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस्लाम के जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं 99% मानता हूँ, 1% नहीं मानता। वो शख्स मुशरिक नहीं है, लेकिन वो काफिर है। और काफिर का मतलब जो 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 ग्रामेट जो जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है काफिर के, वो है डिनायर, जो आदमी डिनाई करता है किसी चीज को। तो चूंकि उसने 99% चीज को मान लिया, 1% को डिनाई किया, दैट्स व्हाई ही इज अ डिनायर, इसलिए उसको आप हम काफिर कहेंगे। ठीक है, तो एथिस्ट है वो किसके अंदर आएगा? काफिर, काफिर कहलाएगा वो? एथिस्ट को काफिर कहा जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, कादियानी भी जो है वो भी काफिर होंगे? कादियानी को भी काफिर कहा जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं कि इस्लाम को कितना परसेंट अपने आप पे श्योरिटी है कि दैट इज कंप्लीटली राइट? जैसे हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म का, प्लूरलिज्म इन द सेंस कि देर इज नॉट जस्ट वन वे, देर कैन बी मेनी अदर वेज टू अचीव सेल्वेशन। तो हिंदुइज्म एक प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आपने ये चीज ऐसी ही कर दी है, ये चीज कंस्ट्रेंट नहीं है, आप दूसरे रास्ते से भी उस रास्ते मीन तक पहुंच सकते हैं। अब इस्लाम को जो है कितना अपने आप पे भरोसा है, हाउ मच श्योर इस्लाम इज की दैट इज दी ओनली करेक्ट पाथ? 110%। ठीक है, इस्लाम को अपने ऊपर अश्योरिटी है कि दिस इज दी ओनली करेक्ट पाथ, और उसकी वजह यह है कि कुरान में एक आयत आई है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जो दीन है, रिलीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, अब इस्लाम के आने के बाद। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो दीन है, ये अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का जो रूल है वो ये है कि जो लेटेस्ट है वही वैलिड होता है, जो ओल्ड होता है वो वैल्यूएबल तो हो सकता है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको, गाड़ियां हैं मसलन, गाड़ी में जो आपकी एंटीक गाड़ी होगी ना, उसकी वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन आप ये कहें कि नहीं यही यूजफुल है, ये जरूरी नहीं है। जो लेट होगा वही यूजफुल होगा, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर जो भी हमें चीजें चाहिए उसके अंदर अवेलेबल होंगी। हो सकता है कि आपकी एंटीक गाड़ी के अंदर एसी ना लगा हुआ हो तो आप गर्मी में परेशान हो, वो चल तो लेगी लेकिन वो सारे वो फुली इक्विप नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ जो कम्युनिकेशन किया है वो मुख्तलिफ अंबिया के जरिए, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन हुआ था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए, और हजरत आदम पहले इंसान हैं और पहले नबी हैं, और जो आखिरी कम्युनिकेशन हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुआ है। इस बीच में हजारों लाखों मरतबा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के जरिए, हजरत इस्माइल के जरिए, हजरत ईसा के जरिए, हजरत मूसा के जरिए। तो हम उस कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंट तो मानते हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते चूंकि वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ कम्युनिकेशन है, लेकिन हम उसको ये कहें कि वो अभी भी यूजफुल है ऐसा नहीं है। यूजफुल सिर्फ वही कम्युनिकेशन है जो लेटेस्ट और लास्ट है। ओके, ठीक है, मैं आपकी पॉइंट समझ गया। अच्छा, एक चीज जो कहते हैं कि अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आपके पीछे जो है काफी सारे पत्ते हिल रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे समझते हैं, मतलब व्हाट आर वी सपोज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कि अल्लाह की नॉलेज में आए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी पत्ते का हिलना, मेरा आपसे बात करना, या दिन का आना, रात का आना, इस दिन और रात में किसी वाकये का हो जाना, ये सब चीजें अल्लाह की नॉलेज में ऑलरेडी हैं। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि जब हमने अल्लाह को क्रिएटर मान लिया और उस पूरी कायनात को, उस पूरी यूनिवर्स को उसका क्रिएशन मान लिया, तो उस क्रिएटर को इस क्रिएशन को चलाना है। ठीक है, तो अब ये जो उस ये मुमकिन ही नहीं है कि एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन को, वो भी इतनी इनॉर्मस और जायगेंटिक, वो बगैर जाने और बगैर बूझे उसको चला ले। उसको चलाने के लिए उसके पास फुल नॉलेज का होना जरूरी है। अब जब ये पत्ता भी उसकी क्रिएशन में आता है तो इसके बारे में भी नॉलेज अल्लाह ताला को होगी, और इस पत्ते का जो मेन काम है वो सिर्फ साया देना नहीं है, बल्कि इसका एक काम हिलना भी है। तो जब जो काम भी मेरा होगा, मेरे मुकम्मल कामों की नॉलेज अल्लाह को है,
और जो काम इस पत्ते का होगा उसकी मुकम्मल नॉलेज अल्लाह को है, इसलिए हम ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, यानी अल्लाह की नॉलेज में आए बगैर कोई काम नहीं होता। ओके, और साथ ही में ये भी मानना है कि इफ ही वांट्स टू इंटरवीन, अगर वो कहीं इंटरवीन करना चाहे तो वो इंटरवीन भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम जिस तरीके से चाहें अपनी जिंदगी गुजारें। वो इंटरवीन करेगा हमारी लाइफ में हमारे मरने के बाद, वो डिसाइड करेगा कि भाई एक आदमी को जन्नत में जाना है कि एक आदमी को जहन्नम में जाना है। वो हम जब जिस वक्त जिंदा हैं इस दुनिया में, हम इस वक्त एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, जब हम अपना टेस्ट पेपर कर रहे होते हैं तो हमारा जो एग्जामिनर है वो इंटरवीन नहीं करता कि नहीं ये लिखो या नहीं लिखो, बल्कि हम मुकम्मल एग्जाम करने के बाद अपना पेपर सबमिट करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। हमारी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, ये एक एग्जाम हॉल में है। हम अच्छे काम करेंगे तो आगे हमें अच्छा उसका सिला मिलेगा, और हम अगर बुरे काम करेंगे तो उसका सिला उसी हिसाब से होगा। इस वक्त जो हमारा क्रिएटर है वो इंटरवीन नहीं करेगा। तो इसलिए यानी ये जो लफ्ज मैंने आपको बोला, आपने जो बोला है मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ हम जो काम करेंगे वो उसकी नॉलेज में होगा, एग्जामिनर की नॉलेज में है कि हम इस वक्त एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बट अगर वो चाहे तो ही कैन, इफ ही वांटेड, इफ ही वांट्स, ही कैन डेफिनेटली इंटरवीन। ऑफ कोर्स, जब उसने हम मौजूद नहीं थे हमें मौजूद कर दिया, तो अगर हम मौजूद हैं तो हमें हमारी लाइफ में इंटरफेयर बहुत आसानी के साथ कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, आपने अभी बताया कि इस्लाम को अपने आप पे 110% भरोसा है, आपको इस्लाम पे कितना भरोसा है? जितना इस्लाम को अपने ऊपर है उतना ही मुझे उसके ऊपर है। ओके, सही, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक मानने की बात है, देयर इज अ फैक्टर ऑफ बिलीफ, देयर इज अ फैक्टर ऑफ फेथ। तो जैसे कि आपने कहा कि जैसे अल्लाह को हमने जो है खुदा मान लिया, क्रिएटर मान लिया, तो ये मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब ये है कि हमें अल्लाह के क्रिएटर होने में अब कोई डाउट नहीं है। अगर 0.1% भी डाउट आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे मानने में खोट है। इसी मानने को ईमान का, एक आदमी अगर अल्लाह पर ईमान रखता है कि अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह सस्टेनर है, तो उसको 100% ये अश्योरिटी होनी चाहिए कि अल्लाह ही है जो उसको रिस्क और सस्टेनेंस दे रहा है, और अल्लाह ही है जिसने उसको पैदा किया है, और अल्लाह ही है जिसके पास उसको मरने के बाद जिसके पास उसको जाना है रेकनिंग के लिए, हिसाब के लिए। तो अगर इसमें जरा सा डाउट हो जाए कि शायद ऐसा नहीं हो, एक आदमी शायद ना हो अल्लाह, जैसे ही उसने शायद लगाया, प्रोबेबली लगाया, फौरन उसका ईमान खत्म हो गया, अब वो मोमिन नहीं है। ओके, तो ये चीज होगा ऐसा कहकर फिर इंशाल्लाह, ये कहने का क्या मतलब है? इंशाल्लाह हम अपने एतबार से कहते हैं, हम कोई काम जब करते हैं कि भाई कोई अच्छा काम होगा, तो अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया है कुरान में कि जब हम कोई अच्छा काम कहें तो अल्लाह ताला की विल के ऊपर छोड़ें, उस काम में बरकत होती है, वो बरकत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जब भी इंशाल्लाह कहेंगे तो वो काम होकर रहेगा। अल्लाह ताला कोई बाउंड नहीं हो गया हमारे से, उसने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि हमने अल्लाह इंशाल्लाह कहा और एकदम अल्लाह ने कहा कि हाँ मैं काम वो करूंगा, बल्कि जब वो काम होगा तो उसके अंदर बरकत होगी, और अगर हमने इंशाल्लाह नहीं कहा तो काम तो तब भी वही होगा लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। बरकत का मतलब क्या है, मैं नहीं समझा। बरकत का मतलब ये है, देखिए एक बरकत एक अजीब लफ्ज है और हर जमान में एक खास लफ्ज होता है, बहुत से लफ्ज होते हैं जिनको आसानी के साथ ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। इसकी एक मिसाल लीजिए आप, पर उस मिसाल ही से मैं समझा सकता हूँ, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ओके, एक आदमी ने 10 लोगों की दावत की और उसने खाना बनाया अपने हिसाब से, 10 लोग आ गए, अब वो खाना 10 लोगों को काफी हो गया। ठीक है, खाना 10 लोगों के हिसाब से नहीं था, अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो वो कम था लेकिन काफी हो गया वो 10 लोगों को, ये बरकत है। ठीक है, एक आदमी ने 15 लोगों का खाना बनाया और 10 लोगों को बुलाया और 10 लोगों ने 15 लोगों का खाना खा लिया और अभी भी हंग्री हैं, वो अभी भी पेट नहीं भरा, इसका मतलब ये कि खाने में बरकत नहीं हुई। तो बरकत का ताल्लुक क्वांटिटी से नहीं है बल्कि बरकत का ताल्लुक है सेटिस्फेक्शन से। ओके ओके, ठीक है, समझा कुछ। ठीक है, इमाम तौहीदी का आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में आपके क्या विचार है, क्या वो काफिर है? कौन? इमाम तौहीदी है, ऑस्ट्रेलिया से है, और आप चूंकि यूएस में रहते हैं तो वहां पे लिंडा सॉर्सोर है,
उनके साथ भी जो है काफी उनका जो है इतलाफ रहता है, तो वो काफी बार जो है आते लिंडा रहते हैं। लिंडा 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 ससोर को मैं ट्विटर पर जानता हूँ, और शायद इमाम तौहीदी जिसका नाम आप ले रहे हैं, मैंने उसकी कुछ ट्वीट्स देखी हैं, तो मैं उनके क्या बिलीव्स हैं ये तो नहीं जानता हूँ। अगर आप उनके मुझे कुछ बिलीव्स बताएंगे तो बहुत आसानी के साथ मैं बता सकता हूँ। जहाँ तक कि लिंडा सोसोर हैं, बहरहाल एक मुसलमान औरत हैं, सोशल राइट एक्टिविस्ट हैं, मैं उनके काम को एडमायर करता हूँ। ठीक, तो उनका ये कहना है कि जैसे आप हैं, आप सबसे पहले मैं उनके ऊपर आता हूं। इस्लाम जो है इसमें हदीस जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट आप कहते हैं, लेकिन कौन से हदीस जो है वो सही है, कौन से ज़ाइफ है, ये हम कैसे पता करते हैं? देखिए, उसका एक पूरा मैकेनिज्म और उसके उसूल प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज 1400 साल बाद आया और मैंने कहा कि भाई ये जो हदीस है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैं इसको नहीं मानता, और वो जो हदीस है वो बड़ी अच्छी लग रही है इसलिए मैं उसको मानता हूँ। तो इसमें अब आपके मानने न मानने का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि यू आर नोबडी। ठीक है, उसका जो तरीका है, जो उसका जो उसूल है, जो जाबते हैं, जो पूरा क्राइटेरिया है, वो वेल डिफाइंड, वेल डॉक्यूमेंटेड पूरा इस्लाम में मौजूद है, और आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1300 सालों से मौजूद है। तो अगर उस क्राइटेरिया के एतबार से कोई हदीस सही होती है तो उसको सही कहा जाएगा, और उस क्राइटेरिया के एतबार से कोई हदीस ज़ईफ़ होती है, वीक होती है, तो उसको वीक कहा जाएगा। एक छोटा सा, यकीनन आपके सवालों से लग रहा है कि आपने यकीनन स्टडी की है, तो मैं इसके एक मिसाल देता हूँ। हदीस जब कोई होती है तो उसके उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन होती है। उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कम से कम यूजुअली 3 लोग हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 6-7 लोग हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन में, इनमें से एक एक आदमी के बारे में मुकम्मल रिसर्च है मौजूद कि भाई उसकी जिंदगी क्या थी, वो एक अपनी जिंदगी में एक प्रैक्टिस मुस्लिम था या नहीं था, वो एक अच्छा आदमी था या नहीं था। तो अगर वो एक अच्छा इंसान था, झूठ नहीं बोलता था, तो जो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में झूठ ना बोलता हो वो हदीस में कैसे झूठ बोल सकता है ना? तो इसलिए अगर वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो उसने झूठ नहीं बोला। इस तरीके से आप हर एक आदमी को चेक करेंगे, वो 3 हो 4 हो 10 हो, और जब आपने सबको चेक कर लिया और सबको वेरीफाई कर लिया और सारे ऑथेंटिक क्रेडिबल माने गए, तो अब इसका मतलब ये है कि वो हदीस जो है वो भी क्रेडिबल है, वो भी ऑथेंटिक है। लेकिन अगर इन 7 लोगों में एक आदमी भी अगर क्रेडिबल नहीं है तो अब वो हदीस को वीक मान लिया जाएगा। ये उसका एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जी, तो ये एक सिंपल सी बात है। अब अगर कोई आदमी इस क्राइटेरिया को नहीं मानता, और ये कितना कॉमन सेंस वाला क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि इस क्राइटेरिया को डेवलप करने में कोई 100 साल लग गए, और ये कॉमन सेंस है भाई। मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ और आप मुझ पर एतबार करते हैं कि ये झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच होगी। सीधी सीधी बात है। ठीक है, अच्छा एक कमेंट आया था कि हदीद को अरेबिक में क्या कहते हैं? हदीस अरबिक वर्ड है, में अरबिक हदीस ही कहते हैं। ओके, ठीक है। तो जो इमाम तौहीदी हैं उनका ये अप्रोच है कि वो उनका ये कहना है कि उन्होंने एक हाल में प्रोग्राम भी किया था और उसमें उन्होंने ये बताया कि चारों जो है उन्होंने सही बुखारी की जो है हदीसें रखी और जो 4 किताब हैं, और उनमें से उन्होंने सारे पे मार्कर लगाया हुआ था कि यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। चारों किताबों में से उन्होंने 1-2 पॉइंट ऐसे से गिनाए। तो उनका ये कहना है, वो खुद ही जो है उनका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के लीनियत से आते हैं, शिया है वो, और उनका ये कहना था कि जो हदीस है उनको हमें बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए और सिर्फ कुरान पे आ जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये स्कूल ये सोचने की जो है ये सीक्वेंस है ऑफ थॉट्स है। तो एक नदीम रिजवी है हमारे फ्रेंड, वो भी अमेरिका में रहते हैं, उनका भी यही कहना है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? किसी के कहने से, मैंने शुरू में कहा कि किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर नोबडी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं हम उसको तो इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हैं इसलिए आप कह रहे हैं, इट डजंट हर्ट अस। ठीक है, अब एक साहब हैं जिनको आप रेफर कर रहे हैं इमाम तौहीदी, अब वो उनकी क्या मुकम्मल थॉट्स हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो जब तक कि मैं उस बात को न सुनूं कि वो
क्या पॉइंट उन्होंने रेस किए हैं, क्या उनको ऑब्जेक्शन है, जब तक कि मैं नहीं कह सकता उनके बारे में कि उनका उनका कहना सही है या गलत है, ठीक है, या हाँ आज के दौर में अगर कोई आदमी खड़े होकर ये कहे कि भाई हमें हदीस को जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, कि हदीस इज नॉट अ सोर्स ऑफ शरिया, बाय प्रिंसिपल ये चीज गलत है ना। आप ये तो कह सकते हैं कि ये जो फला हदीस है ना ये वीक है, इसलिए कि इसमें सो एंड सो नरेटर हैं जो क्रेडिबल नहीं है, आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हदीस एज अ होल गलत है और उसको उस पर अब हमें उसको नहीं मानना चाहिए, उसको हम शरीयत का सोर्स न माने, ये बाय प्रिंसिपल गलत है। ठीक है, मैं बस इसमें तो पूरा अभी मैं आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट मैं जस्ट एक बार उसको जो है, मेरे फोन की बैटरी भी 15% से लेस रह गई, मुझे नहीं मालूम था लंबा चलेगा, तो खैर आप यू कैन कैरी ऑन जब तक ये हमारा, तो मैं बस एक एक बार जो है ना बस ओनली फॉर 1 मिनट आई विल प्ले प्ले इट आउट जी। Brothers and sisters, greetings and peace be upon you. Assalamu alaikum, shalom. But precaution when it comes to dealing with this ideology. It is not harmful to treat, to educate ourselves volume to what was written in one of the volumes. And it was very shocking for the nation as to what exactly lies within these books. The Bukhari interprets the Holy Quran. Especially volume 3 from Sahih al-Bukhari that focuses on the Quranic interpretation. It teaches us Muslims how to live our lives with the grand ayatollahs within the Shi'i school. They'll give you one volume that is made up of Arabic and English. They have cherry-picked and selected for you and translated for you what they want you to read from Sahih al-Bukhari. They do not, because they believe that their Prophet Muhammad has been insulted. I'd just like to double check if the voice is actually minority followers. Exactly is written within these books, but the hypocrisy within the Bukhari. Now we Shia, we don't even believe the Prophet was revealed to the Bukhari. ये क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा आधी बात जी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो मैं संक्षेप में बता दूं, ये जो है कुछ ऐसे पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो कि बहुत ही एब्सर्ड है अकॉर्डिंग टू मतलब कॉमन सेंस, तो मैं उसको भी मेंशन नहीं करना चाहता इस वीडियो के अंदर है वो चीजें, बट मैं इसको जनरली लेना चाहता हूँ कि इनके हिसाब से जो चीजें वहां पर लिखी हुई है वो बहुत ही एब्सर्ड है। जैसे कि प्रॉफिट जो है वो मतलब कहाँ पे जो है यूरिनेट कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे जो है मतलब एक रात में कितने औरतों के साथ जो है मतलब कितने बीवियों के साथ जो है वो समय गुजार रहे हैं, इन सब पे जो है कमेंट्री की हुई है इन किताबों में जो कि बुखारी की है। तो इनके हिसाब से इतने सारे एब्सर्डिटीज हैं कि जिसके बेसिस पे इनका कहना कि हमें सारे हदीसों को इनवैलिडेट कर देना चाहिए। आप मुझे उसका लिंक भेजिएगा जब तक कि मैं उस चीज को सामने न देख लूं। अभी आप मुझे ये तो पता चल रहा था कि एक आदमी बोल रहा है, लेकिन चूंकि आप वीडियो को वीडियो में दिखा रहे थे तो मुझे एक आवाज समझ में नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसका लिंक भेजें तो उसके बाद ही मैं उस पर कोई कमेंट कर पाऊंगा। करेक्ट, लेकिन इतना जरूर है कि बाय प्रिंसिपल अगर कोई शख्स ये कहता है कि हदीस को हमें नहीं मानना चाहिए, ही इज रॉन्ग। ओके फाइन, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे मैं एक एथेस्ट हूं और मैं आपकी बातों को नहीं मानता, अब मेरा जो विचार है वो अलग है। इसी तरीके से हिंदू होते हैं, उनका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो रिलीजियस हिंदूज हैं, फिर आपके क्रिश्चियंस हैं उनका एक अलग है, जूस हैं उनका अलग थॉट है, तो इनका जो कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, हाउ कैन वी कोएग्जिस्ट व्हेन यू से यू आर 110% राइट? देखिए ऐसा है कि कोएग्जिस्टेंस का सवाल जो है जब आप एक मुसलमान से करते हैं जो ट्रू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है,
ये सवाल ही गलत है, चूंकि इस्लाम ही तो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। एक इसका इसका एक इसकी एक मिसाल लीजिए, मैं एक मुसलमान हूं और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं, अपना रसूल और अपना प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हजरत ईसा को नहीं मानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हजरत मूसा को नहीं मानता या हजरत इब्राहिम को नहीं मानता। मैं आप सल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए हैं, अगर मैं उनको नहीं मानूंगा तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई एग्जिस्टेंस और क्या हो सकती है? अब आप एक क्रिश्चियन से पूछें कि भाई आप मोहम्मद सल्लम को प्रॉफिट और मैसेंजर मानते हैं, वो कहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप सवाल क्रिश्चियंस और जूज और हिंदू से करेंगे कि आप को एग्जिस्टेंस में बिलीव क्यों नहीं करते, ये सवाल मुसलमान से नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान को तो सबको मानना है, इनफैक्ट उन नबियों को भी मानना है जिनके नाम हमें नहीं मालूम। तो ऐसा हो सकता है कि हिंदुइज्म में कुछ अंबिया कुछ प्रॉफिट्स आए हो जिनका नाम हमें नहीं मालूम है, हमें उनको भी मानना है। तो चूंकि कुरान में सारे अंबिया सारे प्रॉफिट्स के नाम तो मेंशन नहीं है, यही कोएग्जिस्टेंस है जिसकी दावत इस्लाम देता है। और अनफॉर्चुनेटली यही सवाल सबसे ज्यादा एक मुसलमान से होता है कि व्हाई यू डोंट कोएग्जिस्ट विद अदर्स, जबकि फैक्ट ये है कि अगर आप इस्लाम में सही बिलीव करते हैं जैसा कि बिलीव करने का हक है, तो आपको कोएग्जिस्टेंस के बगैर चारा नहीं है, आप उसके बगैर मुसलमान ही नहीं हो सकते। देखिए अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एथिस्ट हूं और मैं इन कोई भी जो है आसमानी या जादुई चीजों पे नहीं मानता। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, हिंदू के जो गॉड है और वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो एक मतलब जबरदस्ती का मिक्सअप है, मुझे जैसा समझ में आता है। देर इज इट्स ये इनको जो है उनका प्रॉफिट बनाने की कोशिश जो है, मुझे वो सही अप्रोच बिल्कुल ही नहीं लगता। उनका जो अपना सिस्टम है वो एक अलग ही सिस्टम है और वो एक पैरेलल सिस्टम है। मैंने 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 ये नहीं कहा कि उनके गॉड्स प्रॉफिट हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि हिंदुइज्म एक रिलीजन है और हर रिलीजन में प्रॉफिट आए हैं, तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट होंगे जो हमें नहीं पता, हमें उनको भी मानना है। नहीं, आप जब वो आपके प्रॉफिट को नहीं मान रहे, जब उनका सिस्टम ये कह रहा है कि हम आपके प्रॉफिट को नहीं मानते, तो आप जो है फिर उनके साथ कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे? वो इसलिए कि जब हमने ये कहा कि प्रॉफिट्स का मकसद ये होता है कि अल्लाह और बंदों के दरमियान कम्युनिकेशन का एक जरिया बने, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम से पहले जो अल्लाह ने कम्युनिकेशन किया वो सारे कम्युनिकेशन फॉल्स थे, ये नहीं कह सकते हम। ये तो कह सकते हैं कि हम वो एक्सपायर्ड हो गए, लेकिन हम उनको फॉल्स नहीं कह सकते, हमें उस कम्युनिकेशन को भी मानना पड़ेगा। अगर हमने ये कह दिया कि नहीं जी हमारा कम्युनिकेशन तो ठीक है, बाकी जो कम्युनिकेशन है वो फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि हम इस प्रिंसिपल को डिनाई कर रहे हैं कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कभी कोई कम्युनिकेशन बंदों से किया है, हम इसको डिनाई कर रहे हैं और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये लॉजिक है उसके पीछे। ठीक है, फाइन। ऐसा नहीं है कि हम कोई मिक्स मैच कर रहे हैं, बल्कि वो एक लॉजिकल चीज है, उसको आप डिनाई करके, चूंकि जब हमने ये कहा, एक और मैं आप बताता, जब हमने ये कहा कि भाई आप सल्लम से पहले जितना कम्युनिकेशन हुआ हम उसको नहीं मानते, तो सामने वाला कहेगा ठीक है, तो फिर इस बात की क्या दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने कम्युनिकेशन किया है? जब हम इस आखिरी कम्युनिकेशन को मान रहे हैं तो हमें पहले वाले को भी मानना पड़ेगा। हम आखिरी को पहले के बगैर नहीं मान सकते, आप टू में बिलीव नहीं कर सकते जब तक आप वन में बिलीव ना करें। ठीक है, ओके। तो मतलब आपका ये बेसिकली ये कहना है कि उस समय अल्लाह ने जो है कहा वो हिंदुओं को कि तुम अभी जो है बुत परस्ती करो, दैट इज फाइन, बट लेटर ऑन मुकम्मल कर लो अपनी बात, और इसके बाद जो है प्रॉफिट को भेजा और उसने उन्होंने जो है करेक्ट किया कि नहीं अब जो है तुम बुध की पूजा मत करो, अब जो है तुम हमारे सिस्टम पे आ जाओ, और ये सही मैसेज है। ऐसा देखिए बाय प्रिंसिपल जितने भी फंडामेंटल्स में जितने भी अंबिया प्रॉफिट्स आए हैं वो सब एक दूसरे से एग्री करते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत आदम से लेकर आप सल्लम तक एक पैगाम है, वह है वहदानियत का, यानी एक अल्लाह को मानना है। और इसी तरीके से एक पैगाम है कि ये दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है और हमें मरने के बाद जिंदा होना है और अल्लाह के सामने पेश होना है अपने हिसाब किताब के लिए, जिसको हम रेकनिंग कहते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं ये फंडामेंटल्स हैं, इनमें हजरत आदम से लेकर आप सल्लम तक कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ होता है? मिसाल के तौर पर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हो सकता है कि हम जो पांच नमाजें पढ़ते हैं उनको पांच नमाजें पढ़ने का हुक्म न दिया गया हो, ठीक है, हजरत नूह को या हजरत इब्राहिम को या हजरत मूसा और ईसा को पांच नहीं चार नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया हो, तो यहाँ फर्क होता है। द वे हाउ यू लिव योर लाइफ, इसमें तो फर्क हो सकता है, लेकिन व्हाट यू हैव टू बिलीव इन, इसमें कोई फर्क नहीं।
वही वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि हिंदुओं के पास ये मैसेज क्यों आ रहा है कि वो जो है पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है फिर एक अलग कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है कि बुत परस्ती मत करो। कोई भी, मैंने जैसे कहा कि एक बात और जहन में रख लीजिएगा कि कम्युनिकेशन जो आता है, तो अल्लाह ने किसी भी कम्युनिकेशन सिवाय इस आखिरी कम्युनिकेशन के, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, और उसकी वजह यह कि ये आखिरी है, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ये जिम्मेदारी नहीं ली कि उसको डिस्टोर्ट नहीं किया जाएगा। इंसान को एक मरतबा कम्युनिकेशन कर दिया उसके साथ और उसको एक पैगाम दे दिया, अब इंसान उस पैगाम को बदल भी सकता है क्योंकि इंसान को फ्री विल दी है। तो यही हुआ कि हमसे पहले जो इंसान थे उन्होंने उस पैगाम को और उस मैसेज को डिस्टोर्ट कर दिया, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। अच्छा, अब सवाल यह है कि हमारा जो मैसेज है ये डिस्टोर्ट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि ये लास्ट है। अगर लास्ट भी डिस्टोर्ट हो जाएगा तो फिर अल्लाह की तरफ से वेरिफिकेशन का कोई माना नहीं रहता। जब अल्लाह ने ये कहा कि हमेशा हक आखिरी दिन तक कयामत तक के बाकी रहेगा, चाहे वो चंद लोग माइनॉरिटी के पास बाकी रहे, छोटे से यानी छोटी सी तादाद के पास बाकी रहे, तो उसका मतलब ये कि एक मैसेज ऐसा जरूर होगा कि जो फुल्ली वेरीफाइड होगा और उसको डिस्टोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो हमसे पहले आए हैं, मजहब आए हैं, उसमें डिस्टोर्शन हुआ, यही वजह है कि वो अपनी असल जो फॉर्म है उसमें बाकी नहीं रहे। अगर आप हिंदुइज्म में वेद में चले जाएं तो वेद में ऐसी बहुत से वर्सेस हैं जिसमें तौहीद का पैगाम मिलता है और उसमें बुत परस्ती के खिलाफ वो हैं। यही वजह है कि आर्य समाज बुत परस्ती में बिलीव नहीं करता, चूंकि वो चाहते हैं कि हम वेद की जो ओरिजिनल फॉर्म है उस पर हम उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारें। देखिए, वो तो कहीं भी हम कोई भी बात कहेंगे उसमें से छोटे पीसेस निकालेंगे तो हमें ऑब्वियसली हमारे हिसाब की चीजें मिलेंगी। अगर मैं उसी तरीके से इस्लाम से भी कोई चीजें पिक करूं तो मुझे जो है वो पिक कीजिए ना अपने सिस्टम के लिए। मैं इसीलिए बात लॉजिकल होनी चाहिए, बात थियोरेटिकल नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये करूं। आप कीजिए, आप पिक कीजिए इस्लाम में, और उसके बाद हो सकता है कि मेरे पास जवाब हो और मैं आपको जवाब दूं, और ये भी हो सकता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास जवाब ना हो तो मुझसे एक ज्यादा पढ़ा लिखा कोई होगा उसके पास जवाब होगा। ऐसा कोई सवाल आज तक दुनिया में नहीं है जिसका जवाब इस्लाम के पास नहीं है। ये तो हो सकता है कि मेरे पास ना हो, इस्लाम के पास जरूर है। नहीं, मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, अभी जैसे आपने कहा कि वहां पे कुछ ऐसी आयतें हैं, ऐसी वर्सेस हैं जो कि ऐसे इस चीज को जस्टिफाई करती हैं, उसी तरीके से मैं कहूं कि इस्लाम कहता है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, तो वहां पे भी इस्लाम कह रहा है देयर इज नो गॉड। नाउ दैट इज व्हाट आई एज एन एथिस्ट आल्सो से, तो मैं तो कहूंगा कि इस्लाम भी कहता है कि देयर इज नो गॉड, भले ही वो आज चीजें अलग कहता हूं। नहीं, और बट अल्लाह क्यों भूल गए आप? उसी तरीके से आप क्यों भूल जा रहे हैं कि हिंदुइज्म में और भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं? नो, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वेद में जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो तौहीद का है, लेकिन बाद में उसके अंदर डिस्टोर्शन हुई है, और इस बात को खुद हिंदू जो क्या कहना चाहिए, जो वेद के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक सेकंड यार, सर आपकी आवाज रुक गई। यासिर की जी की आवाज रुक गई है, उनका बैटरी भी कम था, आई होप वो फिर से कनेक्ट हो पाए। जी यासिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, वेलकम बैक। जी हाँ, मैंने अब इसको जो है बैटरी उसमें लगा लिया है वायर में, तो होपफुली ये चलेगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सही, तो मेरा देखिए, मेरा मकसद जो है इस वक्त डिबेट करना नहीं है। मैंने टाइटल ही रखा और सीरीज का ही टाइटल रखा है कि अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, आप क्या सोचते हैं उसको समझना, मैं उसको समझने के दरमियान जो है कुछ सवाल करूं, बट द गोल इज नॉट टू डिबेट। तो पॉइंट ये है कि आप जैसे सोचते हैं कि दिस इज द फाइनल थिंग, इसकी क्या बेसिस है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो आपके ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज द फाइनल वन? जैसे एक बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है कुरानिक एब्रोगेशन का, कि कुछ वर्सेज हैं, शायद उसको नासिक के मसूद एक उसका जो है केस है, तो वहां पे जैसे आपको पहले जो है कहा गया कि वाइल यू आर इंटॉक्सिकेटेड, जब आप नशे में हो उस वक्त आप नमाज ना पढ़ें, फिर बाद में जो है दूसरी आयत आई और उसमें ये कहा गया कि नहीं, शराब बिल्कुल ही मना है, तो मतलब अपनी ही लाइन को उसने कुरान ने कैंसिल कर दिया और उसके जगह पे एक नई लाइन भेज दी। तो पिछले बार जिन भाई साहब से बात हो रही थी जो हाफिज थे,
उनका ये कहना था कि इंसान की उस समय जो सोचने की शक्ति थी, उस समय जो कैपेबिलिटी थी, उसके हिसाब से जो है आयतें आई हैं। तो इसीलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का कि अपनी ही बातों को कुरान बाद में इनवैलिडेट कर सकता है और नई चीजें भेज सकता है। तो उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि इंसान की उस वक्त आज से 1400 साल पहले जो सोचने की कैपेबिलिटी थी वो इतनी ही थी, इसीलिए उस वक्त ये कहना जरूरी था कि नहीं, ये जो मजहब है ये मुकम्मल हो गया है और ये आखिरी नबी है और ये आखिरी वर्ष है और इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। बट ऐसा अगर हो कि नहीं, फिर से जो है कोई और आयत आए और फिर वहां पे कहा जाए कि नहीं अभी उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आता इसलिए मुझे कहना पड़ा तुम्हारे भलाई के लिए, बट अब मैं कह रहा हूँ ये नई आयत है, मैं भेज रहा हूँ, ये नए नॉलेज भेज रहा हूँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ आपके इस सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करता हूं। आपने शुरू में एक लफ्ज बोला था और मैं उस वक्त भी उसका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया तो मैं जवाब वहां दे सकता हूं। आपने कहा कि ये जो जादू और आसमानी चीजें हैं, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, आपने जादू को आसमानी चीज से मिला दिया, हालांकि जादू का आसमान से कोई ताल्लुक नहीं, जादू का तो जमीन से ताल्लुक है। देखिए, यहां शुरुआत यहां से कीजिए कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसका सोर्स, हम उसके सोर्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम जो है वो तीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मानता है, और आम लोग जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते वो दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके नजदीक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितने हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द वर्ल्ड खुद ही है, जो दुनिया है वही खुद है मेरे लिए, वही मेरे लिए किताब है, और उसको ही देख के मैं इन्फर करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे क्या चीज करना है। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना? ठीक है, हाँ एक सोर्स है, और जो है अगर मुझे कोई किताबों में लिख के बताता है तो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, या फिर उसकी क्या वेरिफिकेशन है उसके बेसिस पे मैं अपने फाइंडिंग्स को जो है इंश्योर करता हूँ। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं वेरीफाई? जो साइंस का कॉन्सेप्ट है उसमें तो एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं जब 10 क्लास में था तो मैंने जो है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, या फिर सेल को देखने के लिए मैंने ऑनियन के स्लाइसेस जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखे। फिर इसके बाद मैं जैसे 11th 12th में गया उस वक्त मैंने और एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग में था उस वक्त और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इसको छोटे इसको इसको एक लफ्ज में जो आप कह रहे हैं इसको एक लफ्ज में रीजनिंग कहते हैं, है ना? रीजनिंग विद एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, रीजनिंग विद एक्सपेरिमेंट आपका दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास ये दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास तीन है। सबसे पहले इन दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखिए। आपने कहा जो दुनिया मेरे सामने है ये मेरी ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, असल में ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, ये सोर्स नहीं है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जिस चीज के बारे में आप जानना चाहें वो सोर्स नहीं होती, सोर्स होती है दूसरी चीज। वो सोर्स क्या है? आप जब दुनिया को देखते हैं तो आपकी आंख सोर्स है, आप जब दुनिया को चखते हैं अगर वो खाना है तो आपकी जबान सोर्स है, आप जब टच करते हैं तो आपका जो जो एबिलिटी टच है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सुनने की जो सलाहियत है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो सोर्स है इनमें से हर एक का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है ना? आप अगर चाहें कि आप अपनी आंख से सुन लें और अपने कान से देख लें तो आप 7 मरतबा पैदा हो जाएंगे, ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज बियॉन्ड योर एबिलिटी। इसका मतलब यह है कि हर लेट मी कंप्लीट इसका मतलब यह है कि हर सोर्स का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है जिसके बाहर वो चीज नहीं जा सकती। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जिन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आ जाइए आप रीजनिंग विद एक्सपेरिमेंट में। आप एक्सपेरिमेंट किस चीज का करेंगे? उस चीज का ना जो आपके सामने मौजूद है, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, जिस चीज को आप देख सकते हैं, उसी का तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी तरीके से जो रीजनिंग है वो भी उसी चीज में चलेगी जो चीज आपको नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर आप एक घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस घर की आपको ईंटें, आप उस दीवार, आपको आप चेयर पे बैठे हुए हैं, वो चेयर आपको कंप्यूटर नजर आ रहा है, लेकिन साथ में आपकी अकल ने यह भी कहा कि भाई ये जो घर बना है ये खुद ब खुद नहीं बन गया, बल्कि उसके पीछे एक आर्किटेक्ट था, उसके पीछे इंजीनियरिंग है, उसके उस इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसके बाद मजदूर आए, फिर ये घर बना, राइट? ये जो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं ये किससे पहुंचे हैं? ये आप अपनी रीजनिंग से पहुंचे हैं। इसका लेकिन जिस तरीके से आपके जो 5 senses हैं उनका एक ज्यूरिसडिक्शन है, ऐसे ही आपकी अकल का एक ज्यूरिसडिक्शन है।
जिस तरीके से वो अपने जुरिस्डिक्शन से क्रॉस नहीं कर सकते, आपका अकल का भी एक जुरिस्डिक्शन है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप गलती कर जाएंगे। मिसाल, आप यूनिवर्स में इतना तो जानते हैं कि गैलेक्सीज हैं, ठीक है, लेकिन आप गैलेक्सी तो छोड़िए, अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं रखते, ठीक है, अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन सर्टेनिटी के साथ नहीं रखते। आप आपको सिर्फ थ्योरीज हैं जो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। क्यों? इसलिए कि अभी आप वहां पहुंचे नहीं है, ठीक है, आपका जुरिस्डिक्शन वहां तक एक्सपेंड नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अल्लाह के बारे में बात करते हैं, जब हम दीन के बारे में बात करते हैं, तो अल्लाह वो नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। अल्लाह इज अनसीन, और जो अनसीन वर्ल्ड है वो हमारी अकल के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जब हम अपनी अकल के एक्सपेरिमेंट वहां करेंगे तो हर हाल में गलती करेंगे। लिहाजा हमें उस चीज को समझने के लिए तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है रेवलेशन, जिसको हम वही कहते हैं। वो अल्लाह का कम्युनिकेशन जो इंसान के साथ हुआ है कि अल्लाह ने ये कहा कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, वही सही है। अल्लाह ने कहा वो एक है तो वही एक है, अब दो नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा कि मरने के बाद जिंदा होना है तो मरने के बाद जिंदा होना है, अब वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो बातें कही हैं, जो इस्लाम का बुनियादी बिलीफ है, वो अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है। हमारा वो हमारे जुरिस्डिक्शन, हमारी आंखों और कानों और हमारी अकल के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। अब जिस तरीके से हम अपनी कान से देख नहीं सकते, तो हम अपनी अकल से ये अंदाजा अगर लगाना चाहें कि अल्लाह एक है कि दो है या पांच है, तो हम हमेशा गलती करेंगे। हमारे पास सिर्फ वही तरीका है कि हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर लें, क्योंकि वो हमारे क्रिएटर का हमारे साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब आप आगे चलिए, आपने कहा मनसूख की बात। एब्रोगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है, लेकिन मुश्किल से 5 वर्सेस ऐसे होंगे जो एब्रोगेट हुए हैं। अच्छा, उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत है, एक लंबा टॉपिक है जिसपे बहुत देर तक चला जा सकता है, लेकिन यहां बात इसकी नहीं है कि वो एब्रोगेशन हुआ है लिहाजा अब पूरा दीन एब्रोगेट हो सकता है। बात यह है कि अगर अल्लाह ने अपना एक कमांड, अपना एक हुक्म भेजा, और उसके बाद जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उसी वक्त उस हुक्म को मंसूख भी कर दिया, तो कोई हर्ज नहीं है। इसकी एक मिसाल लीजिए कि एक पार्लियामेंट है मसलन, वो कोई कानून पास करती है, उसके बाद 10 साल के बाद वो ये सोचती है कि अब इस कानून में थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए, अब लोग उसके आदी हो गए। टैक्सेशन के जो लॉज हैं वो क्या, मसलन अगर 30% टैक्स आपके ऊपर लगता है तो पहले दिन इंडिपेंडेंस के बाद 30% लग गया था, आहिस्ता आहिस्ता लगता है जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पहले 2% लगता है, फिर 15% लगता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ जाती है तो और टैक्स लग जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे टैक्स देने की एबिलिटी बढ़ गई है। ऐसे ही हमारे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जो प्रैक्टिस की जो एबिलिटी है वो बढ़ गई, इसलिए अल्लाह ताला उस हुक्म को एब्रोगेट करके उसकी जगह एक थोड़ा सख्त हुक्म दे देते हैं, इसी को एब्रोगेशन कहते हैं। लेकिन वो उसी वक्त हुआ है जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान जब मुकम्मल हो गया तो अब एब्रोगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर एवर खत्म हो गया, चूंकि एब्रोगेटर अब मजीद कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो आप लॉजिक है वो आप यही बता रहे हैं कि उस वक्त इंसान की क्या कैपेबिलिटी थी, उस वजह से जो है उस तरह के वर्सेज आए और बाद में उसको अपडेट किया गया क्योंकि इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ी। मतलब जैसा आप टैक्स का जैसा सिर्फ यही लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही लॉजिक नहीं है, बल्कि अल्लाह की उसके पीछे और भी हिकमत है, जैसे मैंने कहा कि एक लंबा टॉपिक है, लेकिन चलिए आप इसी को, लेट्स स्टिक टू दिस, इंसान की एबिलिटी। जी हाँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इंसान की उस वक्त इतनी ही समझ थी कि वो जो है मतलब अपने लड़कियों को दफना रहा था, जिंदा बच्चों को दफना रहा था, तो उस वक्त के लिए ये जरूरी था कहना कि यही जो है आखिरी है और इसके ऊपर जो है कुछ नहीं आप ऐड कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उस वक्त के लोग उस पर अपनी चीजें थोपते और उसके वजह से और भी जो है कोहरा मचता और इंसान का बुरा होता, इंसानियत का बुरा होता। तो इस वक्त अगर अल्लाह को ऐसी जरूरत हो कि उस वक्त उसने कह दिया हो कि नहीं अभी ये चीज मुकम्मल हो गई, अब इसमें कोई चीज ऐड नहीं होगा, लेकिन अब जब इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ी है, अब जब पीस ज्यादा आया है, अब इंसान की समझ बढ़ चुकी है, तो अगर फिर से जो है नई आयतें नाजिल हो और जो है फिर से एक नए प्रॉफिट आए, इसकी क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? जो लफ्ज आप इस्तेमाल करें ना समझ, वही बुनियादी गलती है। कहीं भी कुरान में एब्रोगेशन इसलिए नहीं हुआ कि इंसान समझ नहीं रहा था या उसकी समझ में थोड़ा कमी थी, तो चलो आसान बात समझा दो उसके बाद फिर मुश्किल बात समझाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका ताल्लुक अमल और प्रैक्टिस से था कि शुरू में उसको करना मुश्किल था, लेकिन जब उसको उसका आदमी आदी हो गया तो अब उसका उसको जो है थोड़ा सा सख्त हुक्म दे दिया।
टैक्स का जो रूल है ना उसको समझना मुश्किल नहीं है. जिस तरीके से 1950 में जो जनरेशन थी, अगर आप उसको आज का टैक्स रूल इंट्रोड्यूस करते वो उस वक्त भी उसको समझ लेती. ठीक है, टैक्स पे करना 30% उस वक्त मुश्किल था क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इतना नहीं हुआ था. तो इसका ताल्लुक समझ से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रैक्टिस से है. तो इस कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम आज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो 1400 साल पहले का इंसान था वो नहीं समझ सकता. अगर हम आज का जो कॉन्सेप्ट है आप उस आदमी को इंट्रोड्यूस कराएं वो भी समझ जाएगा. कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटी दी है हर चीज को समझने की. हाँ, प्रैक्टिस में मुश्किल हो सकती है. नहीं, लेकिन सब लोग जो है सब बातें नहीं समझ सकते, और उस वक्त जो है लोग ज्यादा, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है कि उस समय जो लोग जो है ज्यादा ही वायलेंस करते थे या ज्यादा इस तरह की चीज में थे. अब जो है लोगों की समझ बढ़ी, अभी भी वॉर्स हो रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम लोग मारे जा रहे हैं जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. मतलब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो डेटा जैसे जैसे इराक में 3 लाख मर गए, ये कम लोग. जी हाँ जी हाँ, तो आप डेटा देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ज्यादा लोग मरे, बहुत ज्यादा. ज्यूज अकेले 6 मिलियन मरे, लेकिन वो नंबर जो है वो स्टेडिली कम हो रही है. अभी भी सीरिया में काफी लोग मारे गए हैं, लेकिन तो क्या हिस्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई है? हम तो 1400 साल से शुरू करते हैं ना. 1400 साल पहले, 1400 साल पहले आप सल्लम के जमाने में आपको मालूम है कितनी जंगें हुई हैं? नहीं पता, लेकिन बहुत सारी हुई हैं. 30 हुई हैं. ठीक है, आपको मालूम है डेथ टोल कितना है उसमें? नहीं पता, बताएं आप. 1000 30 जंगों में 1000 लोग. 1000 में दोनों तरफ के हैं, यानी जो मुस्लिम वॉरियर्स थे वो भी और जो नॉन मुस्लिम वॉरियर्स थे वो भी. आपकी इराक वार में अकेले 3 लाख हैं, वो भी ऑफिशियल डेटा है, वरना मिलियन है. ठीक है, अफगानिस्तान का लगा लीजिए, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर लगा लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा लीजिए, कई मिलियन इंसान ने 100 साल में मार दिए, और ठीक है 4-5 जंगों में मार दिए, वहां 30 जंगों में 1000, और वो भी दोनों तरफ की कैजुअल्टीज. तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब इंसान जो है वो सिविलाइज हो गया, अब वो कम मार रहा है, पहले ज्यादा मारता था? नहीं, अभी जो हम लेटेस्ट ट्रेंड जो हम अभी जो ग्राफ की बात करेंगे तो वो ग्राफ जो है वो ऐसे चल रहा है. नहीं अभी ये आप अभी से क्यों शुरू करते हैं, आप पीछे से जाइए ना. ठीक है, पीछे हम जाते हैं तो उस वक्त फिर बड़ा राइज हुआ और फिर जो है वो कम हो रहा है. या अगर आप कहें उस वक्त जो है जो कबीलाई लोग थे वो लोग क्या एक दूसरे को नहीं मारते काटते थे? सिर्फ यही 30 जंगें तो नहीं हुई, गांव में भी लड़ाइयां होती थी, अपने बच्चों को दफनाते थे. हम जब बात मजहब के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो हर चीज मजहब से रिलेट होगी. मैं आपसे सोशल साइंस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं मजहब के ऊपर. तो इस्लाम के हिस्ट्री में वॉर एग्जिस्ट करती है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज के दौर में जो वॉर्स हुई हैं उसमें जो कैजुअल्टीज हैं वो ज्यादा हैं, या इस्लाम के जो इब्तदाई दौर में वॉर्स हुई हैं उसमें जो कैजुअल्टीज हैं वो ज्यादा हैं. हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा ना, सोशल साइंस पे तो बात नहीं हो रही है. नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इस्लाम तो आया पूरे इंसानियत के लिए, तो मैं पूरे इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त इंसान जो था उसका सेंस कम था और अब जो है समझने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है. और अगर डेटा भी देखें तो वॉर जो है वो धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं. और यही बात गलत है, यही बुनियादी गलती है. हम ये कहते हैं कि इंसान के समझने की सलाहियत पहले भी उतनी ही थी और आज भी उतनी ही है. बल्कि मैं ये कहता हूं कि आज तो इस्लाम इंसान को हमारे जो डिवाइसेस है ना, जो टीवी है, जो बहुत सी चीजें हैं, इसने हम लोगों को पैरालाइज्ड कर दिया है. आप ये देखिए कि आप आज से हम जो पहले जनरेशन है, बल्कि पहले जनरेशन ही अभी आ जाइए, इंडियन स्टूडेंट्स क्यों ज्यादा अच्छा करते हैं अमेरिकन स्टूडेंट्स के मुकाबले में? इसलिए कि अमेरिकन स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी ने पैरालाइज कर दिया है कि वो 2+2 को भी सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, आप अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूं, आप किसी शॉप पे चले जाइए, आप उसको $10 का सामान भी लेंगे ना और उस आपने उसको 20 का नोट दे दिया, वो उसको भी कैलकुलेट करके 10 वापस करेगा. ठीक है, ये तो हाशर है. और ये सारे वो लोग हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पास आउट है और कहां रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं. इंडिया में जो एक गांव में बच्चा पढ़ रहा है उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो आप उसको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड का आप जो हिसाब दे दीजिए वो बगैर कैलकुलेटर के कर देगा. तो इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी ने हमें फायदा तो दिया है लेकिन हमारी समझ में इजाफा कर दिया हो ऐसा नहीं है. ठीक है, उसने हमें पैरालाइज किया. जितना हम डिपेंडेंट होंगे डिवाइसेस में उतना ही हम अपनी अकल का कम इस्तेमाल करेंगे, जितना हम अकल का कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे सेंस के अंदर कमी आएगी. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज से 1400 साल पहले जो लोग थे वो हमारी आज की बातें बहुत आसानी के साथ समझ सकते थे. अगर वो आज होते तो वो भी हमारी तरह होते.
ये डिवाइसेस उस वक्त नहीं थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे इन डिवाइसेस की उनको क्या समझ, चुके नहीं थे, अगर होते तो वो भी समझते। नहीं नहीं मैं इससे इतलाफ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां के लोग हमारी बात नहीं समझ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एज ए स्टैटिस्टिक्स कि कितने ज्यादा लोग आज पढ़े लिखे हैं और उस वक्त कितने ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे थे, मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूं। पढ़े लिखे होने का मेयार क्या है, क्या स्टैंडर्ड, मतलब समझदार जो समझ सकते हैं चीजों को समझ सकते हैं, उस समय ज्यादा लोग जो है ना समझते। दुनिया में ऐसा कोई स्टैटिस्टिक आज तक आया ही नहीं है कि जो लोगों की समझ को इवैल्यूएट करे। हाँ पढ़ाई लिखाई को तो इवैल्यूएट कर सकता है कि भाई फला मुल्क में 99% जो है एजुकेशन रेशियो है, फला मुल्क में इतना है, एजुकेशन का तो स्टैटिस्टिक है, समझ का कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि समझ जो है उसका आप सर्वे नहीं करते कि भाई हाँ आप कितना समझते हैं। ठीक है तो अब एजुकेशन का सर्वे वो ले लीजिए स्टैटिस्टिक्स। अमेरिका में जो एजुकेशन का स्टैटिस्टिक है वो इंडिया से बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल बेहतर है ना, और यहाँ ज्यादा फूल बसते हैं इंडिया के मुकाबले में। तो अगर एजुकेशन का मतलब इंटेलिजेंस होता तो फिर अमेरिका में सारे इंटेलिजेंट होते, इंडिया में ज्यादा इंटेलिजेंट ना होते, अमेरिकन कंपनीज को आईटी इंजीनियर्स इंडिया से बुलाने ना पड़ते। वही देखिए मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी भी कोई भाई साहब आए तो उन्होंने लाइव में मुझे बताया कि पाकिस्तान में ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जो है बिजली का तार से जो है अपने मवेशी को बांधना पसंद नहीं करते, उन्हें डर रहता है कि जब बिजली कड़केगा तो इन्हें जो है कुछ नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ज्यादातर जो लोग हैं वो मैं ये नहीं कह रहा कि वहां का कोई बंदा जो है आज की बात नहीं समझ सकता था, बिल्कुल समझ सकता था। मैं कह रहा हूं ये कि ज्यादा लोग किस तरह के थे, तो ज्यादा लोग जो है वायलेंस में और अंधविश्वास में, और क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने जो ये कहा ना कि उसको ज्यादा लोग ना समझ थे, यही हम गलती कर रहे हैं। मैं कहता हूं चलो ठीक है ना समझते, मान लिया आप थोड़ी देर के लिए इसी को तस्लीम कर लिया हमने कि ज्यादा लोग ना समझते, आज ज्यादा समझदार हैं। ठीक है तो अब इस्लाम या कोई भी दीन अगर आएगा, इस्लामी को छोड़ दीजिए, कोई भी दीन आएगा वो ना समझो को समझाने के लिए तो आएगा ना, ना समझो को उसने समझा दिया, सब लोग समझ गए, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं वही इसमें मेरा ये कहना था कि उस वक्त जो है अगर अल्लाह को यह लगा कि इस वक्त जो है इंसान को इतनी ही समझ है और इसलिए मैं इतनी ही चीजें कहूं, और फिर बाद में जब इनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तब मैं जो है इनको और बातें बताऊंगा कि अब और भी नबी आ सकते हैं और भी नॉलेज आ सकती है। हम इस पे क्यों फिक्सेटेड हो जाएं कि नहीं अब यही जो है आखिरी है और इसके बाद कुछ नहीं आ सकता? इसलिए कि इस दुनिया का आखिरी मानते हैं कि नहीं मानते? जब इस जो जितने भी कॉमन रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है सब में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इस दुनिया का एक दिन आखिरी आना है। तो जब इस दुनिया का आखिर एक दिन आना है तो जाहिर है कि एक मौका ऐसा भी आएगा कि जब कम्युनिकेशन लास्ट होगा। कम्युनिकेशन हमेशा तो नहीं चल सकता, अगर कम्युनिकेशन हमेशा चलेगा तो दुनिया भी हमेशा चलेगी, और दुनिया का हमेशा चलने का कॉन्सेप्ट किसी भी रिलीजन में नहीं है। हर रिलीजन मानता है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, चाहे आप ना माने, रिलीजन की बात कर रहा हूं जी मैं। तो एक सेकंड मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि जैसा हिंदुइज्म को मैंने समझा है, हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया खत्म होगी और फिर से शुरू होगी, तो एक साइकिल का कॉन्सेप्ट है वहां पे। वो कॉमन है, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। हम भी ये कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी और हम एक दूसरी दुनिया में चले जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है हम भी ये कहते हैं, हम इस दूसरी दुनिया में, जिस दुनिया को हम जन्नत या जहन्नम कहते हैं, उस दुनिया में सारी इंसानियत को जाना है। तो ठीक है फर्क सिर्फ अल्फाज का फर्क हो सकता है, समझाने का फर्क हो सकता है, इंटरप्रिटेशन का फर्क हो सकता है, लेकिन कॉमन आइडिया वही है। नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं, उनका क्या है कि ये नहीं कहना है कि जो है आपका जन्नत और इसमें जो है आप सेपरेट हो जाएगा, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। उनका ये कहना है कि यही दुनिया का जो साइकिल है फिर से खत्म होगा और फिर इसी तरह की दुनिया फिर से बनेगी, उनका ये साइकिल है। वो इसी तरीके की दुनिया जो है जो भी बनेगी, जन्नत भी ऐसी ही है लेकिन इससे बेहतर है, अपग्रेडेड वर्जन है। आज हम जो है थोड़ा सा जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं, कल मौसमी आईपी में सफर करेंगे, इतना ही तो फर्क है ना। तो बहरहाल कॉमन मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया के जितने भी रिलीजन है वो इस चीज में मुत्तफिक है, इस दुनिया का एक दिन खत्म होना है। अब वो बाद में कैसी दुनिया होगी इसमें इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है, ये दुनिया के खात्मा होगा इसमें सब फर्क सब मुत्तफिक है। जब इस दुनिया का खात्मा होना है तो कम्युनिकेशन का भी खात्मा होना है, तो कभी तो कभी कम्युनिकेशन आएगा। चलिए मैं कहता हूं इस्लाम को आप ना मानिए आखिरी कम्युनिकेशन, इस्लाम के बाद कोई दूसरा आया वो कहेगा हम आखिरी कम्युनिकेशन है, आप ये सवाल उससे करेंगे तो वो उसके पास क्या जवाब होगा? जो जवाब उसका होगा वही हमारा है। और हमारा जवाब यह है कि जब इस दुनिया का एक दिन अंत होना है, खात्मा होना है, तो कम्युनिकेशन का भी खात्मा होना है, और वो कम्युनिकेशन का खात्मा इस्लाम पर हो गया है।
क्योंकि कोई दूसरा रिलीजन ने आके ये क्लेम नहीं किया है कि मैं नेक्स्ट हूं, बट इसलिए है, क्या बेसिस है इसका कि आपका कहना कि यही आखिरी है? किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन को जांचने के लिए आपके पास क्या स्टैंडर्ड है? कोई है स्टैंडर्ड आपके पास? मेरे समझ से तो मैंने तो आपको अपनी अपनी बात बता दी कि कोई भी जो है मैं आसमानी चीज को मानता नहीं, और मैं तो मेरी चल आप नहीं मानते लेकिन आप समझते तो है ना, आपने कहा कि भाई हम लोगों की समझने की एबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी मैं समझता हूँ कि समझने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि भाई ये स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड से मानेंगे कि ये रिलीजन रिलीजन है, कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना? स्टैंडर्ड यही है कि एक दूसरे से बेहतर है, बस इतने का ही स्टैंडर्ड है, और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, नहीं क्योंकि कोई मेरे समझ से तो कोई अल्लाह है ही नहीं, वो तो कोई रिलीजन भेज ही नहीं सकते मेरे समझ से तो ये। मैं आपकी बिलीफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी समझ की बात कर रहा हूं कि आपकी समझ के एतबार से अगर कोई रिलीजन ये क्लेम करता है कि मैं एक रिलीजन हूं, ठीक है, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, कैसे आप तय करेंगे कि हाँ भाई ये रिलीजन है? कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना उसका, या कुछ नहीं है बगैर स्टैंडर्ड? एक ही पैमाना हो सकता है कि उसको कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोई फॉलो नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। हमारे यहाँ मुल्क में अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को फॉलो करने वाले मिलियंस ऑफ मिलियन लोग हैं, आप उनको अच्छा समझेंगे? नहीं, अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सिस्टम है, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे गलत है। देखिए स्टैंडर्ड किसी भी रिलीजन का ये होता है कि उस रिलीजन के पास एक प्रॉफिट हो, मैसेंजर हो, और उसका कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, क्रिएटर के साथ हो, और उस कम्युनिकेशन का सबूत हो। जो ये कहे कि भाई मेरा कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ है, तो उसका कोई सबूत तो होगा, ठीक है, वो सबूत हम वेरीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान हमारे पास एक सबूत है कि अल्लाह का इंसान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, उसका सबूत कुरान है। अब आप ये कहें कि भाई इस तरह तो कोई दूसरा मजहब भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसकी दलील ये होगी कि अगर आप कुरान जैसा दूसरा कुरान बना दें, ठीक है, कुरान के बाद मिलियंस ऑफ मिलियन किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी ये कहे भाई मैंने कुरान जैसा कुरान लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये कुरान जो है ना ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया बल्कि किसी इंसान ने बनाया था, इसीलिए मैं भी उस जैसा इंसान हूं, मेरा आईक्यू लेवल भी उससे उस जैसा या उससे बेहतर हो सकता है, लिहाजा मैंने एक कुरान नामी किताब लिख दी, ठीक है, तब तो हम मान लेंगे कि भाई हो सकता है कि कुरान अल्लाह का कम्युनिकेशन ना हो। लेकिन जब हमने कुरान ने चैलेंज दिया है कि आप इस जैसा पूरी किताब तो क्या एक आयत नहीं लिख सकते, और चैलेंज उन लोगों को दिया जो अरबिक लैंग्वेज में अपनी, ये समझ लीजिए कि अपने राइज पर थे उस जमाने में, अरबिक लैंग्वेज की जो एलोक्वेंसी है वो अपने राइज पर थी उस जमाने में जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ, हर एक आदमी जो है हर घर में शायर हुआ करता था अरबी का, उन लोगों को चैलेंज दिया कि एक वर्स दिखा दो, वो नहीं दिखा सके, आज तक वो चैलेंज बरकरार है, कयामत तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये दलील है इस बात की कि ये अल्लाह की तरफ से, इसलिए इंसान उसको उसका उसको रिप्लेस नहीं कर सका। कल को आकर अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई मुझसे अल्लाह ने कम्युनिकेशन किया है, हम उससे यही सवाल करेंगे कि अगर कम्युनिकेशन किया है तो आप उसकी दलील दीजिए, वो दलील देगा कि भाई ये किताब भेजी अल्लाह ने, हम उसको देखेंगे कि क्या एक इंसान उस जैसी किताब लिख सकता है, अगर लिख सकता है तो वो कम्युनिकेशन फॉल्स है, और अगर नहीं लिख सकता तो वो कम्युनिकेशन ठीक है। ठीक है, तो आप ठीक है, तो आपका बेसिस जो है बस कुरान के ऊपर है कि चूंकि कुरान जो है आपके हिसाब से इररिफ्यूटेबल है, कोई चीज उसमें आप गलत नहीं प्रूव कर सकते, इसीलिए दैट इज द प्रूफ कि ऑल दिस इज ट्रू। बिल्कुल, इसलिए कि जब कोई चीज गलत नहीं है तो उसको सही होना जरूरी है। ठीक है, तो कुरान के क्या व्यू है इस पे, इवोल्यूशन पे? जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो तो आप उन लोगों को भी मंजूर नहीं है जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी प्रमोट की थी। आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस में ये बहस हो रही है गुज़िश्ता महीने कि हमें अपने स्कूलों में एवोल्यूशन को एज ए फैक्ट नहीं एज ए थ्योरी पढ़ानी चाहिए, और थ्योरी ऑलवेज कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो जब जिन लोगों को पूरी दुनिया ये कहती है भाई ये सुपर पावर हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये पूरी दुनिया को चलाते हैं, वहां उनकी कांग्रेस में एवोल्यूशन के सही और गलत होने पर बात हो रही है, तो मैं और आप कौन होते हैं जो एवोल्यूशन के ऊपर आग बंद करके ये ईमान लाए हुए हैं? अच्छा, अब आ जाइए एवोल्यूशन के ऊपर। किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? अमेरिकन
अमेरिकन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट में बात हो रही है, अमेरिकन पार्लियामेंट में जो नहीं, मैंने किसी मिसाल दी है, चूंकि जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किसने किया है, इंडिया ने तो नहीं किया, और साइंस अलग है और अमेरिका अलग है, अमेरिका पे अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल, कैपिटलिज्म की अथॉरिटी कौन है? कैपिटलिज्म का बहुत प्रोपोनेंट ऑफ ऑब्वियसली अमेरिका है, बट ऐसा नहीं कि अमेरिका अगर खत्म हो जाए तो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा मैंने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों को या कुछ इलाकों को अथॉरिटी होती है, जिस तरीके से कैपिटलिज्म पर अमेरिका अथॉरिटी है। नहीं, साइंस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है। आई नो, क्या कैपिटलिज्म साइंस का कंपोनेंट नहीं है? साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई डिवाइस बना दिया, साइंस कहते हैं नॉलेज को, कैपिटलिज्म नॉलेज है कि नहीं है? नॉलेज का एक सिस्टम है, एक सिस्टम चल रहा है, उस पर चैलेंजेस किए जाते हैं। जब जब बिल्कुल जब आपने उस पर एक मुल्क को और एक सिविलाइजेशन को अथॉरिटी मान लिया, तो आप उसके दूसरे कंपोनेंट पर भी दूसरे सिविलाइजेशन को अथॉरिटी मान सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एवोल्यूशन को, मैं इसे बाहर रखूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एवोल्यूशन पर आ जाइए। एवोल्यूशन को सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया? इंडिया ने किया, सऊदीया ने किया, सीरिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, किसने किया? अमेरिका ने किया, वेस्ट ने किया, वेस्ट ने किया। आप अगर वेस्ट ना करता आप मानते? मैं अगर मेरे पास वो फैक्ट्स लेके आया तो मुझे मानना ही पड़ता, जब मेरे पास डायनासोर का फॉसिल आएगा मुझे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो आपके पास फैक्ट्स लेकर आए, इसका मतलब वो चैंपियन है, आपसे पहले चैंपियन कर चुके, इसलिए वो आपके पास फैक्ट्स लेकर आए, तो आपने मान लिया। ठीक है, अब जो आपसे पहले चैंपियन हो चुका वही खुद कह रहा है कि ये थ्योरी है, फैक्ट नहीं है, तो उस सिस्टम को वो गलत मतलब ये, इसका मतलब ये है कि अब थ्योरी के अंदर डाउट आ गया, आ गया ना, उस कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आ गया। नहीं देखिए, वो आप किसको कोट कर रहे हैं, कौन बंदा ये कह रहा है, उस पर डिपेंड करता है, बट ये फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, एक सेकंड मान लें कि मैं जो हूं, आपने जो है मुझे कहा कि भाई मेरे जो ये मेरा जो वॉल है, वॉल का कलर रेड है, ठीक है, आपने मुझे बताया, तो उस वक्त जो है मुझे भी रेड जैसा दिखा, और फिर बाद में हमारे बातचीत के दरमियान कुछ वो इस तरह का स्पेशल पेंट है कि वो अब सफेद हो गया, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब आपने तो कहा था कि ये रेड है, और आपने शुरू में कहा था, और आपकी ये घर है, आपकी ये इमारत है, तो आप जो कह रहे हैं वही सही होगा। भाई मुझे वो दिख रहा है व्हाइट, तो मैं कैसे मान लूं कि आप वो रेड है? तो लेकिन आप जिसको, आपको अगर व्हाइट दिख रहा है ना, तो मुझे भी व्हाइट दिखना जरूरी है। ठीक है, मैं भी ये कहूंगा कि ये व्हाइट, हाँ जी मुझे, मेरे से गलती हो गई, ये व्हाइट है। आपको तो दिख रहा है ये व्हाइट और मुझे दिख रहा रेड, जबकि घर मेरा है, तो आप मेरी मानेंगे, आपकी मानेंगे? तो उस वही उस पे जो है फिर हम डिबेट करेंगे और साइंस करेंगे। साइंस में क्या होता है कि फैक्ट्स के बेसिस पे चीजें प्रूव की जाती हैं। आप बताइए कि जो वर्ल्ड है वो कितना पुराना है, और डायनासोर के बोन्स को आप कहां पे फिट करते हैं? मैं चूंकि डायनासोर के बोन्स कहीं भी फिट करो, बात आती है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का ताल्लुक नहीं, आप पहले डायनासोर के हड्डी को तो फिट कर दें, होगा लाखों साल पुराना। एक थ्योरी है, उसके किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये 21 लाख साल पहले जो 21 जून आई थी उसमें ये डायनासोर यहाँ मरा था और यहाँ उसकी दफन हुआ था। एक थ्योरी है, हर एक आदमी अपना साइंस अपने एतबार से कैलकुलेट करती है कि भाई मुख्तलिफ मेजरमेंट्स है, उसके एतबार से हो सकता है कि ये 10,000 साल पहले, हो सकता है कि 10 लाख साल पहले, हो सकता, सर्टेन कुछ नहीं है, है ना। बात आती है एवोल्यूशन की। जब एवोल्यूशन की इंसान बात करता है ना, तो वो एवोल्यूशन को अपने ऊपर फिट करता है, है ना, कि वो ये कहता है कि हम पहले बंदर थे ना, बंदर जैसे क्रीचर थे। वो कौन थे, वो उस क्रीचर का नाम क्या है? क्रीचर का बहुत सारा नाम है, उसका एक ट्री है, मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं अभी तुरंत आपको देख के बताता हूँ। अभी हम जो होमो सेपियंस अपने आप से कहते हैं, आप उस ट्री के ऊपर बिलीव करते हैं और आपको उसका नाम नहीं पता, ये बड़ी हैरत है। मैं इस्लाम पर बिलीव करता हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। जनाब मेरा नाम सुने, मेरी बात सुने, मेरा नाम क्या है, उज्जवल है या कुछ और है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब कोई फैक्ट कहूँ तो वो फैक्ट का वैल्यू है, मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम कल कोई चेंज कर ले, कुछ और कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बताइए कि वो जो जानवर था जो पहले मतलब जिससे इंसान बना है, वो अब है कि नहीं है? हमारा जो आप जानवर की बात करें तो एक लूसी करके एक नाम दिया गया है उनको, कि भाई ये जो हमारे सबसे जो है वन ऑफ मतलब उस ट्री में एक एंसेस्टर थे। और आपका जो भी का सवाल है वो कि वो थे कि नहीं, तो मतलब वो अभी है या नहीं, तो बिल्कुल अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके पास फॉसिल्स हमें मिलते हैं, उनके जो कॉन्टिन्यूएशन है वो हम हैं,
अब वो स्पीसीज हम है। क्यों वो क्यों नहीं है अभी? क्या सारे जितने जानवर थे सब इंसान बन गए? नहीं, वो उनके जो बच्चे थे सिर्फ वो रह गए हैं और वो खुद जो है वो मर गए, तो उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे तरह के रह गए, वो एग्जैक्टली उनके तरह नहीं दिखते। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि प्रोसेस खत्म हो गया? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ठीक, इंसान फिर कुछ और क्यों नहीं बनता, वो मर क्यों जाता है? बन सकता है अगर अभी भी हम लड़ाइयां करते रहे, जैसे अभी भी हम सबकी गर्दन उड़ाते रहे और फिर बोले कि भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, अगर कोई भी गोरा इंसान है, हम कहें कि कोई भी गोरा इंसान हमें पसंद नहीं है, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अगर हम इस तरीके से उड़ाते रहे तो जो बच्चे पैदा होंगे वो काले बच्चे ही पैदा होते रहेंगे और उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और जो व्हाइट्स हैं वो फिर इरेज हो जाएंगे ओवर द टाइम। आप जितनी भी आपकी बातें हैं ना वो इफ और बट है। मैं ये कहता हूं कि सारे इंसान तो नहीं मर रहे, यानी जंग में सारे इंसान तो जंग में नहीं मर रहे हैं, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बगैर जंग के पीसफुली जिंदा है। आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, ना मैंने कोई जंग देखी ना शायद आपने देखी होगी, जहां तक मेरा अंदाज, मैंने तो नहीं देखी। और मैं समझता हूँ 172 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, शायद इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी जिन्होंने कोई जंग नहीं देखी, तो इसका मतलब मेजोरिटी उन लोगों की जो जंगों के का विक्टिम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर एवोल्यूशन हमसे पहले इतना पहले हो चुका कि हम व्हाटएवर जानवर, आप उसे बंदर कहें बंदर जैसा कहें, हम वहां से इंसान बन गए, तो अब इंसान को भी तो कुछ और बनना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं बना अभी तक? एक तो एग्जांपल हो कि भाई इंसान शेर बन गया, इंसान गधा बन गया, है ना, उल्लू बन गया, कुछ तो हो। यानी बंदर से इंसान बनना तो नजर आया, इंसान से कुछ और बनना नजर नहीं आ रहा, ये कैसा एवोल्यूशन है? जी मैं बताता हूं आपको, आपने कई बार देखा होगा ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका जो दिल होता है वो बाहर निकला रहता है, वो बाहर धड़कता रहता है। ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके हाथ ही नहीं होते, पांव ही नहीं होते। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके छ है, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन है, उसकी छ उंगलियां हैं। तो ऐसे जो है क्रीचर्स पैदा होते रहते हैं ऑल ओवर द टाइम। आप इनको क्रीचर मानते हैं कि ह्यूमन मानते हैं? ऋतिक रोशन जो है वो क्रीचर है कि ह्यूमन है? वो तब तक ह्यूमन है जब तक उसके साथ दूसरे ह्यूमन के साथ अगर उसके बच्चे पैदा हो सकते हैं तब तक वो ह्यूमन है। जब वो ऐसा हो जाएगा, जब उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते ह्यूमन के साथ, तो उसको नया स्पीसीज कहते हैं। तो ऐसा मुझे कोई इंसान बताइए कि जो इंसान था लेकिन अब वो ह्यूमन नहीं है। जी मैं बताता हूँ, इस पे जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब आप ये पृथ्वी गोल है या चपटी है, वो कैसी भी है, मुझे पहले एवोल्यूशन की तो नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूं, तो इसके लिए ये जवाब आप प्लीज दे दें कि आपको दुनिया गोल लगती है या चपटी? हमारी दुनिया हकीकतन गोल है जी, लेकिन जब आप अपना गेट खोलते हैं, जब आप अपना दरवाजा खोलते हैं, तो आपको क्या गोल दुनिया नजर आती है या चपटी नजर आती है? अगर मेरे घर के आगे दीवार है तो मुझे सीधी नजर आएगी, और अगर मेरे घर के आगे मैदान है जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो मुझे दुनिया गोल नजर आएगी। नहीं, आपकी आंखें जो हैं वो बहुत इतने लिमिट तक ही देख सकती हैं, तो आपको जो है हमेशा दुनिया चपटी नजर आएगी, जैसे हमेशा पिछले दुनिया के लोगों का होता है। ये कैसे कह दिया आपने? आप एक ऐसे मैदान में खड़े हो जाएं जो बिल्कुल फ्लैट हो, आपको आसमान जमीन से मिलता हुआ नजर आता है कि नहीं? देन वो फिर आपको फिर भी वो स्ट्रेट ही दिखेगा आपको, ये नहीं, वो कर्व नहीं नजर आएगा, समझ रहे हैं आप? कर्व नहीं नजर आएगा। हमें तो नजर आता है और आपको नजर नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई? एक फ्लैट मैदान में आप पहाड़ के ऊपर चले जाएं, ठीक है, सामने सूरज गुरूब होता है, तो आपको आसमान जमीन से मिलता हुआ नजर आता है कि नहीं? मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नजर आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जानते हैं ना कि जो पुराने लोग थे वो दुनिया को फ्लैट मानते थे, आप जानते हैं या नहीं जानते? नहीं, ये आपने कैसे कह दिया कि पुराने लोग ऐसा करते थे? एक आदमी ने लिख दिया मसलन किसी साइंटिस्ट ने कि जी दुनिया जो है वो फ्लैट है, इसका मतलब सारी दुनिया मानती थी कि दुनिया फ्लैट है? जनाब पूरे हमारी हिस्ट्री पड़ी हुई है जहां पे जो है, मतलब गैलीलियो को इसलिए मार दिया गया कि वो ये उसकी उल्टी बात करता था। खैर मेरा पॉइंट, हम वापस एक पॉइंट पे आ जाते हैं। इसीलिए मैं गैलीलियो को कह रहा हूं कि एक आदमी ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया उसी तरह मानती थी। रोमन एम्पायर मानते होंगे। सुने, हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा पॉइंट बस इतना था कि जब आप दरवाजा खोलते हैं आपको जितना नजर आता है आप उसके बेसिस पे इन्फर करते हैं, तो आपको जितना नजर आता है उसके हिसाब से आपको पृथ्वी फ्लैट लगती है। मैं यहाँ पे जितने तमाम ऑडियंस हैं उनको मैं कहूँ कि अपना दरवाजा खोल के बाहर देखें, ऊंचाई पे भी चले जाएं, तो उनको दुनिया फ्लैट ही नजर आएगी। लेकिन हमें जानकारी ये है कि फ्लैट नहीं है। पॉइंट ये है कि आपकी जिंदगी जो है वो कितनी लंबी है, कितने सालों की है? 100 साल की है। देखिए मैंने मैंने भी आपको कहा कि जब आप दरवाजा खोलते हैं ना,
तो आप ये नहीं कहते कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, आप ये कहते हैं कि जितना मुझे नजर आ रहा है वो फ्लैट है, पृथ्वी तो फिर भी गोली है। वही वही उसके बेसिस पे जितना मुझे नजर आ रहा है वही 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 एग्जैक्टली। तो आप जो इंसान को शेर बनते हुए नहीं देख रहे हैं या किसी और स्पीचर में बनते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना वो इतनी छोटी सी है और ये जो कायनात है वो उसकी जिंदगी इतनी बड़ी सी है। तो जब आपकी जिंदगी इतनी लंबी होती तो आपको नजर आ जाता कि ऐसे ऐसे जो ये क्रिएचर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपके सवाल का मैं एक और जवाब दे दूं, फाइनल जवाब दे देता हूं। एक क्रिएचर है, एक स्नेल है, एक वो मैं आपको जगह अभी भेज दूंगा, एक खलीली नाम है उन साइंटिस्ट का, उन्होंने एक क्वांटम थ्योरी और इवोल्यूशन पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो एक जगह पे एक आइलैंड पे गए हैं, वहां पे एक स्नेल होता है, जो स्नेल है उसके बॉडी में एक काला रंग का एक मतलब लाइन रहता है, जैसे इस तरीके से एक लाइन रहता है, आपने कार के ऊपर एक लाइन देखा उस तरह का। तो वहां पे जो चिड़िया होते हैं ना वो जो सफेद होते हैं जिनके ऊपर लाइन नहीं होता है उनको कंफ्यूज नहीं कर पाते, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको उठा लेते हैं और उनको गिराते हैं, उनका मांस खा जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो लाइन रहता है उनको डिटेक्ट नहीं वो कर पाते। तो उसका कहने का मतलब ये कि हम आंखों के सामने इवोल्यूशन होते हुए देख रहे हैं कि जो सफेद वाले हैं वो ज्यादा मर रहे हैं और वो उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो वो इवोल्यूशन से बाहर हो रहे हैं, और जो लोगों का वो लाइन है वो लोगों के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो इवोल्यूशन को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, मैं उसका रेफरेंस आपको भेज दूंगा। एक तो ये बात बगैर रेफरेंस की और जब तक कि जाहिर पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, बात इंसान पर आ जाए। आपने ये कहा कि चूंकि हमारी उम्र इतनी नहीं है, हम जल्दी मर जाते हैं, तो हम किसी इंसान को किसी दूसरी चीज में एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हुए नहीं देखते। यही मेरा जवाब है कि क्या आपने हम लोगों को बंदर देखा था कि हम बंदर थे उसके बाद अचानक इंसान हो गए, आपने खुद देखा? वही मैं बता रहा हूँ कि बंदर का हमने नहीं देखा, सामने में जो है ये जिस चीज की मैंने बताई आपको वो है। मैं और ऐसे मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ लाइव एग्जांपल है, मतलब अभी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग एवोल्यूशन को मानते हैं दरअसल वो कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? इसलिए कि वो एवोल्यूशन को सुननी मेरी बात सुन लीजिए, वो एवोल्यूशन को बगैर देखे मानते हैं। आपने अपने आप को या मुझे या किसी भी दूसरे इंसान को जिसको आप ये कहते हैं कि वो बंदर था उसको बंदर नहीं देखा, आप खुद देखते हैं अपनी आंख से कि वो एक इंसान से पैदा हुआ है। ठीक है, दूसरे कि आप किसी एक इंसान को पूरी दुनिया में ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई ये बंदर था, या आप किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते कि जो बंदर था, किसी भी एक इंसान को नहीं, ये आप सिर्फ इस पे बिलीव करते हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, जबकि जो लोग एवोल्यूशन की थ्योरी पर बिलीव करते हैं वो हर चीज को ऑब्जर्वेशन के बाद बिलीव करते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह को इसलिए नहीं मानते कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आप एवोल्यूशन को बगैर ऑब्जर्व किए मानते हैं। नहीं नहीं, हम बिना ऑब्जर्व किए नहीं मानते, हमारे पास बकायदा उनके प्रूफ्स हैं, उनके फॉसिल्स हैं, उन हड्डी के बेसिस पे जो है मानते हैं कि ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ हुआ होगा। और आपका एविडेंस, अगर आपका एवोल्यूशन का एविडेंस ऋतिक रोशन की छठी उंगली है तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो एविडेंस कितना कमजोर है। अल्लाह को जो है क्या पढ़िए कि किसी को छह उंगली बना दे, ठीक है, किसी को गे बना देते हैं अल्लाह। अल्लाह तो नहीं चाहते ना कि गे सेक्स जो है वो तो आपके कुरान में अलाउड नहीं है। जब अल्लाह नहीं चाहता कि गे पैदा हो फिर क्यों पैदा होते हैं? मैं समझता हूँ कि हमें एट ए टाइम एक सवाल को करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं जवाब दूंगा। पहले आ जाइए छह उंगली पर ऋतिक रोशन की, कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि किसी की छह उंगली पैदा हो। अल्लाह ने चाहा जब भी तो छह उंगली हुई, अगर ना चाहते तो उसकी पांच ही होती। मैं ये कहता हूं कि हमारी नाक यहां पर है, ठीक है, अगर सारी दुनिया की नाक उसके पीछे होती ना और एक आदमी की नाक सामने होती तो सब उससे पूछते कि तुम्हारी नाक सामने क्यों है। भाई इसलिए कि आप सबकी नाक सामने देखते हैं इसलिए आप उसको अच्छा समझते हैं, आप सबके पांच उंगली देखते हैं इसलिए समझते हैं कि पांच उंगली ही होती होंगी। अल्लाह ताला ने एक आदमी को छह उंगली दे दी तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ने नहीं चाहा इसके खुद ब खुद, अल्लाह ने चाहा तभी तो उसके छह उंगली हुई है, इसीलिए आप उसको डिफेक्टेड ह्यूमन तो कह सकते हैं। एक बच्चे का दिल बाहर है उसको आप डिफेक्टेड ह्यूमन कह सकते हैं, लेकिन आप उसको ह्यूमन स्पीशीज से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं नहीं निकाल रहा बाहर, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं ह्यूमन स्पीसीज के अंदर तो वो ह्यूमन ही है, जब नहीं पैदा हो सकते तो या तो वो ह्यूमन से आगे की चीज है, खैर कुछ भी वो अलग ही चीज। आपने उसकी एग्जांपल दी इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ। आपने जो कि ऋतिक रोशन की उस बच्चे की जिसका दिल बाहर होता है उसमें उसकी एग्जांपल आपने एवोल्यूशन के तहत दी है इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। जी जी, मैं बता रहा हूँ एवोल्यूशन ऐसे ही होता है जैसा हम अपने आंखों से देखते हैं कि किसी के छह उंगली पैदा हो गए, किसी का जो है टांग नहीं है, किसी का मतलब इस तरह के एक्स्ट्रा फीचर्स है, आप उससे अगर किसी को फायदा हो रहा है, मान लें
कि आज हमारी लड़ाई हो रही होती, सब जो है एक दूसरे को मार रहे होते, और किसी का हाथ ऐसा पैदा होता कि वो मतलब इतना बड़ा होता कि किसी को एक मुक्का मारे वो मर जाए, तो उसके बच्चे ज्यादा पैदा होंगे क्योंकि वो जो है अपने अपनी जो है जात को फैला पाएगा। तो इवोल्यूशन ऐसे ही होता है कि एक वो मिनट, एक दोबारा बोलिए। एक आदमी अगर बहुत मजबूत ताकतवर है कि एक मुक्का मारेगा सब मर जाएंगे, तो उसके बच्चे ज्यादा होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरे को हटाता जाएगा। आप देखें, जी हाँ, आप देखें, अभी एक देखें फिजिकल कि फिजिकल स्ट्रेंथ और सेक्सुअल स्ट्रेंथ में फर्क है कि नहीं है? वरना तो कमजोर लोगों के बच्चे ही ना हो। मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूं। जब एक का एडवांटेज होता है दूसरे ग्रुप पे, और उसके जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो उसको एडवांटेज मिल जाता है, उस तरह के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, और उससे इवोल्यूशन हो जाता है कि जो पुराने हैं वो हट जाते हैं। जैसे जिराफ का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जो पुराने बच्चे जब हट गए और नए बच्चे आ गए, तो अगर आप उसको ह्यूमन ही कहेंगे, तो एवोल्यूशन कहाँ हुआ? एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, लेकिन जिसने मारा वो भी ह्यूमन, जो मरा वो भी ह्यूमन। हाँ, मारने के बाद अगर जो नया जो मारने वाला है वो बंदर बन गया, अब आप कहेंगे जी एवोल्यूशन हो गया। मैं वही बता रहा हूं कि उसको तब तक हम ह्यूमन कहते हैं, उसी स्पीशीज का कहते हैं, जब तक वो उनके साथ बच्चे पैदा कर सकता है। जब वो इवोल्यूशन मेरा इतना सिंपल सा डिफरेंट हो सवाल जाता है, है। देखिए सारे एवोल्यूशनिस्ट को मेरा सिंपल सा सवाल है। आप या तो ये कहना बंद कर दीजिए कि हम सिर्फ उस पर बिलीव करते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं, और या फिर एवोल्यूशन को दिखाइए तो हम मान लेंगे। जी, तो उस पे मैं ये जवाब देना दे रहा हूं कि जो आप जो प्रूफ की बात कर रहे हैं वो इन्फरेंस ही होता है। हम तो इतनी हमारी जिंदगी है नहीं, तो हम उस चीज को तो देख नहीं सकते। हम जो है बस अब मैं जब आप, एक मिनट, जब आप एवोल्यूशन को कुछ साइंटिस्ट के बताए हुए फैक्ट्स की बुनियाद पर इसलिए मानते हैं कि ये साइंटिस्ट अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, तो आप एक अनसीन चीज को पर बिलीव करते हैं, तो एक वो इंसान के जो अनसीन जो दीन है उसके बारे में स्पेशलिस्ट है, अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप फिर वहां लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का सवाल क्यों करते हैं? नहीं, हम उसके अथॉरिटी पे नहीं मानते उस बात को। हमारे यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, साइंस के कोई प्रॉफिट नहीं है कि हम उनको फॉलो करने लगे। हमारे जो है डार्विन साहब कोई हमारे प्रॉफिट नहीं थे। डार्विन फैक्ट तो लेकर आया ना जी आपने, आपके हिसाब से आपने, भाई जी डार्विन ने कहा, भाई इसीलिए उस थ्योरी को आप डार्विनिज्म कहते हैं। भाई जी डार्विनिज्म की, डार्विन की अगर कोई अहमियत ना होती तो उस थ्योरी का नाम डार्विनिज्म क्यों रखते? आप उसको उज्जवलिज्म कहते या कुछ और कह देते, ठीक है। डार्विनिज्म, डार्विन की अहमियत थी इसलिए डार्विनिज्म है। ठीक उसने है, आपको लेकिन आपके हिसाब से, उसने आपको आपके हिसाब से फैक्ट्स दिए, आपने उसको मान लिया फैक्ट्स को, चाहे वेरीफाई किया उस, चाहे जी वेरीफाई किया। वेरीफाई किया रसूलुल्लाह, जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया, हमने वेरीफाई किया, हमने कहा कि अल्लाह की किताब है, चूंकि इंसान इस जैसे नहीं लिख सकता, हमने अल्लाह को मान लिया। अब बताइए कहां गलत है। जो आपका वेरिफिकेशन का सिस्टम है और जो साइंस का वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो अलग है। मैं दो बातें बता दूं। आप कुरान का नाम क्या चेंज करना कभी कबूल कर पाएंगे? कुरान का अगर मैं नाम चेंज कर दूं, आप कभी कबूल नहीं इसलिए कि करेंगे। दो दुनिया में, देखिए बात सुनिए, ये दो, ये अलग अलग दुनियाएं हैं, ठीक है। कुरान और साइंस जो है ना, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक ही दुनिया है। साइंस उस चीज की बात करती है जो हमें नजर आ रहा है, जिस जिसका ताल्लुक उस दुनिया से है। यही वजह है कि साइंस, जब आप अपने सोलर, मैं गैलेक्सी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, सोलर सिस्टम से बाहर साइंस निकली, उसने गलती की। अभी तो हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने, कभी 9 हो जाते, कभी 7 हो जाते, कभी 8 हो जाते हैं। अरे जब हम अपना सोलर सिस्टम नहीं समझ पाए, तो वो जात के जिसने इस पूरी कायनात को, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सीज हैं, उसको बनाया, तो साइंस उसके बारे में कैसे फैसला करने की अथॉरिटी रखती है? साइंस में देखिए, साइंस एक्नॉलेज करता है कि उसे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, उसे नई चीजें पता होती जाएंगी। तो जब हम मानते हैं कि साइंस को बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो हम भी साइंस पे बिलीव क्यों करते हैं? जो जितनी चीजें पता है उतनी मान ले, जितनी चीजें नहीं पता उसके बारे में हम ये कहें साइंस को नहीं पता। कुरान ये कहता है कि अल्लाह के बारे में उसको हर चीज पता है, तो हम क्यों नहीं मानते कुरान को? वही मैं बता रहा हूं कि कुरान की जो चीजें हैं वो जिस बेसिस पे आती है कि इस तरीके से कम्युनिकेशन आया आसमान से, ये जो है किताब आई, वो एक एंजल आया, उसने जो है ये बातें एक इंसान को बताई, और हमको इस चीज पे मान लेना चाहिए, और मतलब इस तरीके की जो बातें हैं ये आपका बिलीफ की बातें हैं। इसकी जो है कोई मतलब टेंजिबल प्रूफ्स नहीं है कि ब्लैक होल देखा है आपने? ब्लैक होल देखा है? नहीं देखा है। किसने बताया आपको? साइंस साइंस ने बताया, टीवी नेटवर्क इन सब, इंटरनेट ने बताया। हाँ,
तो उस पर तो आपने बिलीव कर लिया, एक टीवी नेटवर्क पे एक न्यूज एंकर बता ब्लैक रहा होल है की कि इस बकायदा ब्लैक फोटो होल, है, ब्लैक होल की बकायदा फोटो फोटोज है है। ना, हमारे पास तो कुरान हमारे सीने में महफूज है। आप तो फोटो देखकर यकीन करते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं अपने सीने में महफूज रखे हुए हैं, और उस कुरान में कोई गलती नहीं निकाल सकता, उसका कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम उस पर बिलीव ना करके ब्लैक होल पे बिलीव कर लें, जो एक साइंटिस्ट ने वैसे ही आपको बता दिया। हालांकि मैं ब्लैक होल का इंकार नहीं कर रहा हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर आप ब्लैक होल को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बोला है, हम कुरान को इसलिए मानते हैं कि कुरान हमारे सीनों में महफूज है, हमारे हाथ में है, हम उसको पढ़ते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं, और उसके बारे उसमें कोई गलती नहीं पाते, और हमारा चैलेंज पूरी दुनिया में हमेशा है और कयामत तक रहेगा कि इस जैसे कोई दूसरी किताब लाकर दिखा दो। तो उसमें तो भाई मेरा जो ये समझ है वो तो यही कहता है कि जैसे इवोल्यूशन है, इस तरह की चीजें जो है मतलब कुरान में फिट नहीं होती है, तो वहां पे तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कॉन्ट्रोडिक्शन कैसा, जब एवोल्यूशन गलत है तो कुरान में फिट कैसे होगा? जो चीज गलत है वो तो वो कुरान में कैसे फिट होगी? ये आपका कहना है, बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसी बात नहीं मानते, वो तो कहते कि नहीं सही बिल्कुल सही है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी बातें कही, उसके बाद उनको बदलना पड़ा, चूंकि उनकी उनके पास उस वक्त नॉलेज नहीं थी। ठीक है, जब तक कि ब्लैक होल, अब एक आपको बताऊं, आपका जो सबसे मशहूर साइंटिस्ट अभी एक साल के अंदर अंदर जिसका जो मरा है, उसका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग, हॉकिंग। हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में क्या कहा है? ब्लैक होल के बारे में उसने स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या कहा है मुझे बताइए। ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग का क्या स्टेटमेंट है कि उसमें ग्रेविटी जो है इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वहां से जो है आपका लाइट भी स्केप नहीं कर सकता है। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में जो कॉमन थ्योरी है वो ये है कि अगर वो एक चीज उसमें गिर गई तो वो गिरती रहेगी, राइट, कभी नहीं निकल हाँ पाएगी, राइट। हाँ बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि इवन इफ यू आर ट्रैप्ड इन अ ब्लैक होल, नेवर थिंक दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। ये स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट है ना, कि अगर आप ब्लैक होल में ट्रैप कर गए तब भी आप ये ना समझें कि देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, तब भी उसका कहीं ना कहीं सिरा, इसका मतलब ये कि वो इस बात का कायल है कि हो सकता है कि ब्लैक होल का एक दूसरा एंड हो, जबकि बिल्कुल बिल्कुल साइंस इसको बिलीव नहीं करती है। क्यों? इसलिए कि साइंस अभी इग्नोरेंट है, साइंस साइंस को पता नहीं है। जब साइंस, एक साइंटिस्ट उसमें गिरेगा तो जाके देख कर आएगा कि वो उसका दूसरा सिरा है कि नहीं। सही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप का जो साइंटिस्ट है ना, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वही कंफ्यूज है। कभी तो कुछ कहता है, कभी मरने से पहले कुछ और कह जाता है। कुरान कभी कंफ्यूज नहीं है, कुरान ने जो बात कह दी वो हर्फ आखिर है। अब वो जब रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन बंद हो गया, वही मुकम्मल हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई उसमें तहरीफ नहीं होगी, कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, ना जबर जेर बनेगा, ना जेर जबर बनेगा। सही है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अपनी बात कह दूं कि साइंस जो है वो नहीं कहता कि वो एक रिलीजन है और वो उसको एक प्रॉफिट के थ्रू नाजिल हुआ है और वो जो बात कहता है वो फाइनल है। इसीलिए इवोल्यूशन को भी इसके साथ भी थ्योरी शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि एक प्रॉफिट के थ्रू आया है। थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और जो चीज सही और गलत हो उसको आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ठीक हो, लेकिन आप उसमें बिलीव नहीं कर सकते। हम बिलीव फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं कि जितने ज्यादा हमें डेटा मिलते जाती है उसके बेसिस पे। आप सुन ले मेरी बात, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि थ्योरी किसको, क्यों शब्द उसके साथ जोड़ा गया है, उसको एक लॉ क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि कोई प्रॉफिट आके कोई थ्योरी नहीं देता है। सारी चीजें जो है हाइपोथेसिस होती है, सुन ले, सारी चीजें हाइपोथेसिस होती है, उनको जब प्रूफ करते हैं, रिफ्यूट करते हैं, जिनको हटा देते हैं उनको तो हटा देते हैं, जो चीज रह जाती है उनको हम जो है मतलब जैसे आप जाइफ हदीस और गलत सही हदीस जैसे आप रखते हैं, वैसे ही हम सही थ्योरी और गलत थ्योरी रखते हैं, और गलत थ्योरी को हटा देते हैं, जो सही थ्योरी है वो रहती रह जाती है। तो अभी तक जो डेटा मिला है उसके हिसाब से वो सही है। कल को आप कोई डेटा लेके आएंगे तो हम ये कबूल करने के लिए जो है मतलब हमको मानना ही पड़ेगा कि हमारी चीजें गलत हैं, क्योंकि यासिर जी ने ये नई चीजें लेके आए हैं। पर जब तक आप नहीं आए हैं तब तक वो थ्योरी कायम है। तो एवोल्यूशन को आप थ्योरी मानते हैं ना? हाँ, ऐसी ऐसी क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं आ सकते। थ्योरी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? थ्योरी की डेफिनेशन वो है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना? थ्योरी उसी को तो कहते हैं ना। सुन ले सुन ले भाई, थ्योरी वर्सेस, एक बात बताइए, एक मिनट, नहीं, करेक्ट और रॉन्ग की बात नहीं हो रही है। थ्योरी के वर्सेस में थ्योरी के ऑपोजिट क्या चीज आती है? थ्योरी डिस्प्रूवन हाइपोथेसिस, थ्योरी के ऑपोजिट में यही है।
थ्योरी के, थ्योरी के ऑपोजिट में आते हैं फैक्ट्स. एक होता है फैक्ट, एक होता है थ्योरी. सुन लिया फैक्ट वो होता है, नहीं नहीं ऑपोजिट वो होता है. मैं यहां बैठा हूं, सुनिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये थ्योरी नहीं है. ठीक है. हाँ मेरा एक आदमी ये कहे जिसने हमारा ये डिस्कशन नहीं देखा कि अगले साल फला तारीख में यासिर और उज्जवल का हर हाल में डिस्कशन होगा, ये थ्योरी है चूंकि अभी तक ये हुआ नहीं. ठीक है. और सामने वाले ने उसको देखा नहीं है. फैक्ट वर्सेस थ्योरी. जब एक थ्योरी, मेरी बात सुन लीजिए, जब एक थ्योरी आप भी कह रहे हैं सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो एक आदमी ये कहे कि नहीं जी मैं तो उस थ्योरी को मानूंगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो ये मानते हुए कि ये थोड़ी थ्योरी गलत हो सकती है इसके बावजूद भी वो उसको मान रहा है, और यही फंडामेंटल गलती है. हमारे नजदीक कुरान फैक्ट है, थ्योरी नहीं, इसलिए हम उसको सही या गलत के पैमाने पर नहीं नापते, वो सिर्फ सही है और हमें उसको मानना पड़ेगा. यहीं पे मैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बता रहा हूं कि हम उसको थ्योरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है कोई ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है जिससे हम ये फाइनल कर दें कि यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है. जैसा कि आपके यहाँ सिस्टम है कि ये प्रॉफिट से आया है तो ये फाइनल है, क्योंकि आपके यहाँ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दो है. जब आपने तीसरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दिया तो आप कभी भी कुरान को साइंस केस नहीं समझ सकते, क्योंकि साइंस जो है वो कुरान को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं आई. साइंस आई है मेरी और आपकी दुनिया को इवैल्यूएट करने के लिए. ठीक है. वो अल्लाह को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं आई. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो नहीं है, तीन है. यही बुनियाद से, यहां से बुनियाद है. आप इस बुनियाद को सही कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे. आपने अगर बुनियाद अगर गलत की तो कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा. नहीं, आपकी जो बुनियाद है वो बिलीफ्स की बुनियाद है, हमारी जो बुनियाद है साइंस की उसकी फैक्ट्स की बुनियाद है. तो फैक्ट्स के बेसिस पे जो एक, अच्छा, एक बार बताइए, एक बार बताइए. अब आपने कहा कि हम बिलीव करते हैं आपकी फैक्ट है. मिसाल के तौर पर मुझसे मेरे एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने, जो जिसको मैं फादरली फिगर भी समझता हूँ, फ्रेंड ही नहीं बल्कि फादरली फिगर है, उसने बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको ये बताया कि मोहम्मद सल्लम ने उसको ये बताया कि उन्होंने बहुत ही क्रेडिबल पर्सन जिब्रील को देखा कि उन्होंने अल्लाह से ये पैगाम लेकर आए. अब इसमें 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 आप कहां शक करेंगे जब सारे क्रेडिबल हैं. अभी आपकी क्रेडिबिलिटी साबित हो गई ना. आप जो है इंसानी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कहीं सुन लिया कि हाँ भाई अल्लाह है. नहीं, हमारे और अल्लाह का जो पैगाम है उसके दरमियान एक बहुत ही क्रेडिबल चेन ऑफ ट्रांसमिशन है. जबकि आपके और गैलीलियो हुआ या स्टीफन हॉकिंग हुआ, उसके दरमियान एक किताबें, अखबारात, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स तो हो सकते हैं, लेकिन डार्विन ने खुद एवोल्यूशन नहीं देखा था. ठीक है, उसने आप कुछ एक थ्योरी गढ़ी उसके बाद बता दिया जी. तो मेरे और डार्विन के बीच में फैक्ट्स का कनेक्शन है कि क्या ऐसा हो सकता है, रीजनेबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है, उसके बेसिस पे हम करते हैं. क्रेडिबिलिटी की बात बदलते नहीं मिस्टर उज्जवल, फैक्ट्स बदलते नहीं है. सूरज अगर दिन में निकलता है तो ये एक फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कभी रात में निकल जाएगा. ठीक है, तो सूरज का निकलना इफेक्ट, फैक्ट्स बदला नहीं करते. एवोल्यूशन की थ्योरी को आपने फंडामेंटली ये मान लिया कि अगर आप उससे आप दूसरे फैक्ट्स लाएंगे हम वो मान लेंगे. इसका मतलब ये कि एवोल्यूशन की थ्योरी फैक्ट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो थ्योरी भी थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करती है. यही फर्क है. नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, गैप हो रहा है. मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो फैक्ट्स मिले हैं हमें उसके बेसिस पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन करेक्ट है. कल को एक ऐसा फैक्ट आता है, वो आपको फैक्ट्स नहीं मिले, डोंट यूज द रॉन्ग वर्ड, वो आपको फैक्ट्स नहीं मिले बल्कि वो आपको थ्योरीज मिले हैं. उन थ्योरीज की बुनियाद पर आपने ये बिलीव कर लिया कि भाई एवोल्यूशन एक चीज है, चिड़िया का नाम है. सुने, बिलीव आप भी करते हैं, आप ऐसा नहीं करते आपके यहां बिलीव नहीं है. बिलीव तो आप भी करते हैं ना, आप बिलीव करते हैं कि नहीं उज्जवल मौजूद है दुनिया में, या ये बिलीव नहीं है. ये मेरे समझ से तो अभी फैक्ट है, और जो थ्योरी की आप बात कर रहे हैं फैक्ट है ना. क्या ये गलत हो सकता है? क्या उज्जवल का इस वक्त मौजूद होना गलत हो सकता है? उज्जवल का मौजूद होना तभी गलत हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हो. नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बात करने को नहीं बात कर रहा हूँ. उज्जवल का इस वक्त एग्जिस्टेंस दुनिया में एक फैक्ट है आपके नजदीक. ये गलत हो सकता है या नहीं? ये वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक थ्योरी है कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी, जिसके अंदर जो पूरा दुनिया है वो एक वीडियो गेम की तरह है और वो एक सिमुलेशन चल रहा है, एक थ्योरी है, तो उसके एग्जिस्टेंस तो है ना. एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते आप? हाँ, तो
तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसके बेसिस पे मैं उस अगर उस कंप्यूटर सिमुलेशन में भी हूं तो मैं हूं, ठीक है। है ना? ठीक है, अब अब आपने आपने कहा कि भाई ये फैक्ट है कि उज्ज्वल जो है इस दुनिया में मौजूद इस वक्त है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये गलत नहीं हो सकता, चाहे उसको वीडियो गेम कुछ भी कहने, वो गलत नहीं हो सकता। एवोल्यूशन को आप ये कह रहे हैं कि वो गलत हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टेंस, ये जो फैक्ट है, ये अनडिनाइबल है, और एवोल्यूशन जिसको आप फैक्ट मान रहे हो, मैं थ्योरी मान रहा हूं, वो डिनाइबल है। तो जो चीज डिनाइबल है उसमें आप यकीन करें, और जो अनडिनाइबल है उसमें आप यकीन ना करें। कुरान अनडिनाइबल है, उसमें आप यकीन ना करें, ये और तो आप एवोल्यूशन कह में रहे आप हैं यकीन ना कर लें, ये क्या बात है? जनाब, जनाब ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो जिब्राइल आके मुझे नहीं कह रहा है, मैं जो बात कह रहा जिब्राइल हूं। आपसे नहीं कहेंगे, जिब्राइल आपसे नहीं कहेंगे, जिब्राइल ने द मोस्ट क्रेडिबल ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्थ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, उन्होंने अपने 1 लाख कंपेनियंस को बताया, 1 लाख ने 10 करोड़ लोगों को बताया, 10 करोड़ ने 20 करोड़ को बताया, सारे क्रेडिबल हैं। अब बताइए क्या गलत हुआ? ये चीज इसके लिए किसी आउटर स्पेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है इस चीज को जानने के लिए कि कुरान इस दुनिया में आया है, बल्कि जो तरीका एक इंफॉर्मेशन को जानने का, आप खबर अखबार यानी न्यूज देखते हैं आप, तो न्यूज कोई चीज दुनिया में हो रही है आप कैसे बिलीव करते हैं भाई? इसलिए कि एक एनडीटीवी एक क्रेडिबल चैनल है, वो बता रहा है कि दुनिया में हुआ है फला हादसा, तो आपने मान लिया। तो इसी तरीके से ये जो चैनल है पूरा, ये क्रेडिबल है हमसे लेकर आप सल्लम तक के, और उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। हर एक ने बताया कि ये कुरान है, हर एक ने बताया कि कुरान का पहला चैप्टर ये सूरत है, हर एक ने बताया कि पहला चैप्टर यहां से शुरू होगा, किसी ने इसमें का इसका उल्टा नहीं बताया। तो अब आप इसको क्यों नहीं मानते? वो क्रेडिबिलिटी हम कैसे मान लें कि वो बंदा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और जो गलत कहने वाला बंदा था उसकी गर्दन ना उड़ा दी गई हो, वो बोल ना पाया हो, इसको हम कैसे मान लें? इसलिए उसलिए इसलिए कि एक बात बताइए कि दुनिया में अगर 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, और सब एक बात कह रहे हैं, तो क्या पॉसिबली सारे झूठ के ऊपर एग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो लीक होगा ना, कहीं ना कहीं तो मैं लीक आपको एक होगा। एग्जांपल दे अगर दूं, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर सारे एग्री करते, तो फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आता। हम जो समझ लेते हैं ना कि ये फेक न्यूज है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चला दी, कुछ दिन कुछ लोगों ने यकीन किया, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि नहीं 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 फेक न्यूज है। चंद महीनों के नहीं, चंद दिनों के अंदर पता चल जाता है कि न्यूज फेक है कि ऑथेंटिक है। कुरान के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लम से लेकर आज तक मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ बिलियन ह्यूमन बीइंग इस बात पर एग्री करते हैं कि सूरह फातिहा पहला चैप्टर है, उसका पहला लफ्ज अल्हम्दु है। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन गलत है, असल में सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं, कोई एक मुसलमान लगकर दिखाइए। तो जब इंफॉर्मेशन कंसिस्ट, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, आप किसी फेक न्यूज को कैसे वेरीफाई करते हैं? आप देखते हैं कि भाई एक जी न्यूज ने एक खबर चलाई और उसके मुकाबले में एनडीटीवी ने खबर चलाई, आपने कहा भाई एनडीटीवी जो है ना वो ज्यादा मोतबर है और जी न्यूज जो है वो कम मोतबर है। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। तो जी न्यूज ने कहा कि जी कम मोतबर, जी न्यूज कम मोतबर, इसलिए आपने कहा भाई ये फेक न्यूज है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, हम एनडीटीवी की बात मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी न्यूज को जांचने के लिए क्रेडिबिलिटी मेयार है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी मेयार है। अच्छा, अब क्रेडिबिलिटी दो तरीके से होती है। नंबर एक, या तो ये कि एक आदमी हो और आपने उसको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा हो, तो आपको हर हाल में मानना पड़ेगा भाई जब उसने कभी झूठ नहीं बोला तो आज ही क्यों बोलेगा। एक तो तरीका ये है, या ये कि वो इतनी बड़ी तादाद हो कि जो पॉसिबली झूठ के ऊपर एग्री ना कर सकती हो। इस्लाम का जो 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 कुरान हम तक आया है वो दोनों तरीके से आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उनके दुश्मनों ने झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तो वो आप क्यों झूठ बोलेंगे? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किताब इतनी बड़ी तादाद को दी कि जो पॉसिबली झूठ के ऊपर एग्री नहीं हो सकती, तो अब झूठ उसको आप क्रेडिबल क्यों नहीं मानते? बात यह है। ठीक है, ये आपका जो है सोचने का तरीका है, बट मेरा सोचने का तरीका इसके ऊपर ये है कि मैं तो दो चीजें देखता हूँ। मैं तो मुझे तो या मैं तो जैसे आपको आपके साथ में बात कर रहा था पहले कि उस समय जो लोगों की सोचने की शक्ति थी, उस समय जो है प्रॉफिट मोहम्मद को लगा हो कि भाई इनको जो है अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे अल्लाह का जो है बात इनको कहना पड़ेगा कि ये जो मैं चीजें कह रहा हूँ इनके भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कह दूं कि अल्लाह नहीं है तो ये मेरे बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे को मार काट के ये मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि आपका ये सोचना, आपका ये सोचना फैक्ट है कि थ्योरी? मेरा ये सोचना थ्योरी गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो फैक्ट है, इसलिए कि उसकी एक चेन है, पूरा चैनल है, तो आपकी थ्योरी तो सही हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है, और हमारा फैक्ट गलत हो, ये तो नाइंसाफी है।
आप तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, आप तो जिब्राइल की जो पहली बात कर रहे हैं वो तो आप क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि उसको उसने जिसको पहली बार कहा और उसने फिर दूसरी बार जिसको कहा वो क्रेडिबल है, इसीलिए आप उसको सही मान रहे हैं। लेकिन तो अब आपको क्रेडिबल नहीं लग रहे हैं, वो झूठे लग रहे हैं ना, उसकी कोई तो दलील होगी ना। हमने ये कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, चूंकि उनके दुश्मनों की टेस्टिमनी उनके उनके हक में है। यानी जब तक इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील नहीं आए थे, 40 साल की उम्र में आए हैं, तो 40 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में गुजारे हैं, तो उनके जो कबीला था, जो जो वहां पर मक्के में जो लोग रहते थे, वो उनको जो टाइटल देते थे वो था असादिक अल अमीन। सादिक के माने हैं ट्रूथफुल, अमीन के माने ट्रस्टवर्थी। ठीक है, तो जब उनको एक कॉमनली पूरी सोसाइटी के अंदर ट्रस्टवर्थी और ट्रूथफुल कहा जाता था, अचानक एक आदमी जो 40 साल तक कभी ना झूठ बोला हो एकदम झूठ बोल दे, वो भी इतना बड़ा, तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं उसको इस बेसिस पे सोचता हूँ। मतलब आप, मैं मान लीजिए कि अभी आपके ऊपर जो है ना, एक आपके ऊपर एक हमला हो जाता है और एक आपके गर्दन पे कोई तलवार रख देता है, और आपके जो है, मान ले आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपके ही कमरे में एक उसको क्या कहते हैं, कबर्ड में छुपे हुए, और आपके गर्दन पे उसने जो तलवार रख दी और उसने बोला कि अब तुम सच बताओ कि कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो अब आप वहां पे सच तो नहीं बताने जाएंगे, आप तो वहां पे झूठ बोलेंगे कि भाई वो जो है यहाँ पे है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। ठीक है, भले ही वो आपका गला काट दे, फिर भी आप जो है ये झूठ बोलेंगे दुनिया की भलाई के लिए। मैं भी उस तरीके से सोचता हूँ कि मोहम्मद साहब को उस वक्त लगा होगा कि जो है अगर अब मैं इनको नहीं बताऊंगा आसमानी चीजें तो ये मेरे बातों पर विश्वास लगा नहीं करेंगे। होगा, इसी को मैं कह रहा हूं। ये जो आपने कहा, ये पूरी थ्योरी है कि फैक्ट है? बिल्कुल थ्योरी थ्योरी है ना। आपने कहा लगा होगा, कोई इसका दलील तो नहीं है, सबूत तो नहीं है हमारे पास, आपके पास? हमारे पास सबूत है कि उनको नहीं लगा, उन्होंने जो कहा वो सच कहा। तो आपको तो सिर्फ, आप तो सिर्फ लगने की बात पर आप उस कुरान को नहीं मान रहे, और हमारे पास सबूत है, आप वो दे रहे हैं, आप सबूत को मानने को तैयार नहीं। सीधी सीधी बात है, आप किसी भी दीन को के जांचने के दो पैमाने होते हैं। एक तो पैमाना ये है कि जो प्रॉफिट है उसकी जिंदगी कैसी है, दूसरा पैमाना ये है कि जो वो पैगाम लेकर आया है उसकी लैंग्वेज, उसकी उसका कंटेंट और उसकी लैंग्वेज कैसी है। अगर प्रॉफिट की जिंदगी ऐसी कि पूरी जिंदगी वो ट्रस्टवर्थी और यानी ट्रूथफुल रहा, और पैगाम ऐसा कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो अभी भी आप उसको सही नहीं मानेंगे तो, और ये कहेंगे कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो ये थ्योरी वर्सेस फैक्ट है, जिसमें फैक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है और थ्योरी को नकार दिया जाता है। नहीं तो वहां पे जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपका तो जो है क्या है, प्रूफ की कुरान है, और कुरान में कोई भी चीजें रिफ्यूटेबल नहीं है आपके बेसिस पे। बट मैं कहता हूँ कि नहीं, चंद्रमा के कभी जो है दो टुकड़े नहीं हुए, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, जो इवोल्यूशन है वो फिट नहीं होता कुरान में, तो जिस तरह का हम जो डायनासोर की हड्डी हमें मिलती है वो तो सेट होता हुआ नहीं दिखता। नहीं, कैसे नहीं दिखता? क्या कुरान ने कहा है कि डायनासोर नहीं थे या उसकी हड्डियां नहीं थी? कुरान के हिसाब से दुनिया की कायनात कितनी पुरानी है? कुरान ने कोई तहदीद नहीं की, कुरान ने कोई लिमिटेशन नहीं बयान किया कि फला दिन से शुरू हुआ था। कुरान ने कहा एक दिन अल्लाह ने जो है एक दिन आसमान बनाया, एक दिन जमीन बनाया, सिर्फ इतना है। कुरान बहुत, कायनात बहुत पुरानी हो सकती है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। तो डायनासोर का जिक्र है कुरान के अंदर? किसी चीज का जिक्र ना होना उसके मौजूद होने की ना होने की तो दलील नहीं है, चूंकि कुरान डायनासोर के लिए तो नहीं आया, कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है। तो हमें पता, अल्लाह को पता है कि हम साइंस के जरिए डायनासोर का पता लगा लेंगे, तो अब उसको बताने की क्या जरूरत है कि डायनासोर थे? ठीक है, तो लेकिन मतलब इतनी बड़ी चीज जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें जो है गिनाते हैं कि देखो इंसान जो है, जो स्पर्म है वो कैसे जो फीटस बनता है वो तो कुरान में लिखा हुआ है, बट डायनासोर की चीज जो है वो बाद में जब इंसान काफी दिनों बाद खोजता है वो नहीं। इसलिए कि इंसान को मरे हुए डायनासोर की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को ये जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे बनता है। हर इंसान को ये तो पता लगेगा उसका, उसकी जिंदगी में पहला सवाल ये होगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। पहला सवाल ये नहीं होता कि दुनिया में डायनासोर थे कि नहीं थे, या ये पहला सवाल है? अगर पहला सवाल ये होता ना हर इंसान का कि दुनिया में डायनासोर थे, तो कुरान में डायनासोर का जिक्र होता। कुरान में डायनासोर का जिक्र इसलिए नहीं है कि हमारा पहला सवाल ये नहीं है, हमारा पहला सवाल ये कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मैं ये जो जिंदगी में गुजार रहा हूं ये मैं कैसे गुजारूं, और इन तीनों का जवाब कुरान ने दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो जिंदगी है आप इसको बताते हैं कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और कुछ भी नहीं है, और इस टेस्ट के लिए जो आपको स्कोर किया जाएगा, इस मतलब इस जिंदगी का मकसद बस जो है ये टेस्ट अच्छे से पास करना है, तो दूसरी जिंदगी का क्या मतलब है फिर, उसका क्या पर्पस है?
जब आप एग्जाम में आपने मसलन एक डिग्री ली बायोलॉजी के, आपने पढ़ी उसमें आप साइंटिस्ट बन गए, आपने क्यों पढ़ा? इसलिए कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, ठीक है, आपकी एक अच्छी जॉब हो, हैंडसम सैलरी हो, और आप आसानी के साथ बड़ी कार हो, जबरदस्त बैंक बैलेंस हो। इसका मतलब ये कि आप एक अच्छी लाइफ जो है वो देखना चाहते हैं जिसमें जो जिस वजह से आपने पढ़ा है। यही वजह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं यूजुअली अगर उनके पास खानदानी दौलत नहीं होती तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनकी जिंदगी वैसी नहीं होती जो अमीरों की होती। ऐसे ही इस दुनिया में जो इंसान आया है, वो कोई भी इंसान, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, टेंशन फ्री नहीं है। टेंशन उसके पास है, परेशानियां उसके लगी हुई है, नुकसान उसको भी होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई एक एग्जाम के लिए कि आप इस एग्जाम सेंटर में बैठे, कामयाब अगर हो गए तो आपको आगे वो जिंदगी आने वाली है जो टेंशन फ्री है, जिसमें ना मौत है और ना ही किसी चीज के खोने का खौफ है, और हर वो चीज मिलनी है जो आपको आपकी ख्वाहिश है। इस दुनिया में आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी आप चाहते हैं नहीं मिल सकती। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर चाहे कि पूरी दुनिया में खरीदूं नहीं खरीद सकता, है ना। जी, तो हम जो आगे की जिंदगी है उसका मकसद ये है कि हम वो किसी भी टेंशन से फ्री होकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारें, चूंकि इस जिंदगी को हमने अपने क्रिएटर की ख्वाहिश के मुताबिक गुजारा है, बस यही फर्क है। ओके, बट मतलब क्या करेंगे वहां पे, मतलब मुझे क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, मतलब बस कंज्यूम करते रहेंगे, मतलब मकसद क्या है? लोग कहते हैं ना कि इस जिंदगी में अगर आप एक सवाल सुन ले, जैसे आप मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम एथिस्ट हो, तुम्हारा मकसद क्या है, मतलब ये इस तरह की सवाल करते हैं, तो मैं वही सवाल करता हूँ आपसे, फिर आपको जो दूसरी दुनिया में मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी, मकसद क्या होगा जिंदगी का? एक चीज मिसाल के तौर पर, मुझे एक गाड़ी मिली जो इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, राइट, तो वो सबसे एक्सपेंसिव है, सब बेस्ट लग्जरी गाड़ी है। अब ये तो नहीं है कब इसके बाद कोई दूसरी अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। एक अच्छी गाड़ी आ गई, उसके बाद अगला मॉडल अगले साल का आ गया। अब मैं चाहूंगा कि यार 2017 के बजाय 2018 का मॉडल ले लूं, तो 2018 का जो मॉडल होगा वो 2017 से तो बेहतर होगा। तो ये जो एडवांसमेंट है, यही मेरा पर्पस है। तो उस दुनिया में जब हम चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि अब आपको सब चीज मिल गई अब क्या, नो, उसके अंदर भी एडवांसमेंट होना है और वो होते रहना है, और वो अनलिमिटेड नंबर और अनलिमिटेड टाइम के लिए होता रहेगा। ये एडवांसमेंट ही हमारा पर्पस है। Okay. और जब आपको ये पता है, और जब आपको ये पता है कि ये मुझे हर हाल में मिलेगा, तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको खोने का कोई खौफ नहीं है। इस दुनिया में 2017 की जो गाड़ी चला रहा है उसको ये श्योरिटी नहीं है कि 2018 का मॉडल उसको हर हाल में मिलेगा। मुमकिन है कि ना मिले, मुमकिन है कि वो फौरन गरीब हो जाए और उसको खरीद ना सके, वहां ऐसा नहीं होगा। ये फर्क है, ठीक है, लेकिन बस मतलब यही एडवांसमेंट करते रह जाएंगे, और मतलब अल्टीमेट मकसद क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है जिंदगी के साथ दूसरी दुनिया में? अब इस दुनिया में आपको अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे बताइए। नहीं, आपके हिसाब से तो ये करना है कि कयामत के दिन में अपने पॉइंट्स जो है अच्छे रखने हैं, ताकि मैंने तो अपना पॉइंट बता दिया। मैं आपका पूछ रहा हूँ, आप तो एथिस्ट हैं, किसी चीज में बिलीव नहीं करते, तो आप मुझे बताइए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? सही, मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ यही है कि मैं इंसानों को जो है सच के तरफ लेके जाऊं, और उसको ये रियलाइज कराऊं। जी हाँ, उसको ये रियलाइज कराऊं कि अकेले जो है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस पूरे कायनात में मैं अकेला इंसान होता तो मैं अभी किससे लाइव में बात कर रहा होता, कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा होता, मैं फोटो लगा के कहाँ पे लगाता, और मतलब मेरे पास सारी तमाम चीजें आ जाए पर फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है कि अकेले उसका कोई मतलब नहीं है, हम एक दूसरे के लिए हैं इस कायनात में, और हमको एक दूसरे की जिंदगी जो है वो बेहतर बनानी है, यही जिंदगी है। और हम जो है सबको गरीबी से गुर्बत से निकाल पाए, सबकी जिंदगी बेहतर कर पाए, इसी के लिए हमें काम करते रहना है। जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, दो लफ्जों में मैं कहूंगा, है ना, अपनी और सारी दुनिया की जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, ठीक है। जी, जी। अब सबकी जिंदगी बेहतर हो गई, आप मकसद में कामयाब हो गए, अब आप पूछेंगे भाई अब मेरी जिंदगी का मकसद है, तो अब आपसे कोई ये कहेगा अब आप मर जाएं इसलिए कि आपकी जिंदगी का मकसद तो पूरा हो गया? ये तो नहीं कोई कहेगा ना। आप अगर कोई आपसे ये कहे कि उज्जवल साहब अब आप मर जाइए चूंकि सब लोग की जिंदगी बेहतर हो गई है, तो आप उसको एक मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे कि क्या बात कर रहे हो। ऐसे ही जिंदगी बेहतर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है,
ठीक है, ऐसे ही अल्लाह ताला जब हमें मरने के बाद हमें जिंदा करेंगे और जो लोग जन्नत में जाने वो जन्नत में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहा। ये जो एडवांसमेंट है ना, ये भी एक मजे की चीज है। और जब आप गोल अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप चूंकि दुनिया में आने का मकसद आपका खत्म हो गया, लिहाजा अब आपको फौरन मर जाना चाहिए। इसी तरीके से वहां पर भी है, तो वही जिंदगी को बेहतर करते जाएंगे आपके, वही है जिंदगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एडवांस पहुंच जाएगी, लेकिन वो एडवांस होती रहेगी। यानी हमारे एतबार से आज हम जिस तरीके से सोचें, यानी जिंदगी को हम सोचें कि भाई यहां पहुंचकर, इस पॉइंट पर पहुंचकर अब जिंदगी बहुत एडवांस हो चुकी, उससे भी आगे जो हम सोच नहीं सकते वहां से आखिरत की जिंदगी की शुरुआत है। अब वो कितने आगे जाएगी वो हमें नहीं पता, चूंकि हम आखिरत में अभी पहुंचे ही नहीं है। जब पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर कोई जो हदीसों में अगर कोई नई बात सामने आती है तो उसको आप कबूल करेंगे या नहीं? हदीस अगर ऑथेंटिक होगी तो बिल्कुल कबूल करेंगे। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, आप इससे पहले आप बात कर रहे थे, मैं एक बस पॉइंट नोट डाउन नोट कर दूं कि एक इंसान जो मतलब कान से सिर्फ सुन सकता है, तो चमगादड़ एक स्पेशल केस है जो कि अपने कानों से देखता है बेसिकली, मतलब उसको जो है वो पूरा मैप क्रिएट करता है। तो इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ये है कि आपके हिसाब से जो अल्लाह है वो इस दुनिया में कैसे आए फिर, अगर सब चीज को बनाने की जरूरत है। दोबारा बोलिए, आपके हिसाब से अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया, ये क्या सवाल हुआ? कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया होता उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है, तो वो खुद ब खुद आ गया कहां से? वही मैं कह रहा हूं कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है। हाँ। नहीं नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने कहा वो खुद ब खुद आ गया, कहां से? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। एक मिनट, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर बनाया है ना, तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। ठीक है, जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? ठीक है, तो बट उसका भी तो एक टाइम होगा ना, उसका भी तो एक स्पेस होगा जिसमें वो है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने आपसे कहा कि जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में नहीं है तो टाइम बनाने वाला टाइम में नहीं है, टाइम से पहले है। और जब उस जो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था। क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन चले जाएं, वो टाइम है, उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, चूंकि जो कब का सवाल है ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मतलब हमेशा से रह सकती हैं, वो हमेशा से हैं, ये आपका कहने का था। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ क्रिएटर। मैं अगर उसी तरीके से कहूं कि ये कायनात जो है वो हमेशा से है और इसको किसी ने नहीं बनाया, तो उसमें कितने का फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो आप अगर ये ना कहें कि अगर या मगर, आप ये कहिए कि है हमेशा से। आप क्यों थ्योरी को लेकर चलते हैं, आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए ना। आप ये कहिए कि भाई ये कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे उसकी दलील दीजिए। जनाब साइंस जो है वो ऐसे ही चलता है, थ्योरी पे ही चलता है, अलग अलग थ्योरी दिए जाते हैं, जिसको आप रॉन्ग प्रूव कर देते हो उसको हटा दिए जाते हैं और जो सही रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो आप ये कहिए कि भाई हमारी थ्योरी के द्वारा से कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे भाई आप दलील दो, तो आप दलील दीजिए। नहीं, मेरा जो है मेन पॉइंट आपको कहने का ये था कि जैसे खुदा हमेशा से हो सकता है, वैसे ही ये कायनात हमेशा से क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कायनात क्रिएटर नहीं है, कायनात क्रिएशन है। आप वरना तो ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से कंप्यूटर बनाने वाला
है इसी तरीके से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कंप्यूटर भी पैदा हो गया था, उसने बड़े होकर पढ़ाई की, उसके बाद उसने वो इंजीनियर बना, यहां तक कि उसको एबिलिटी हुई कि उसने कंप्यूटर ईजाद किया। तो ऐसे ही ये है। तो अल्लाह कायनात हमारे लिए क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। उसके लिए जरूरत है कि एक टाइम से वो शुरू हो, ठीक है, एक टाइम से वो शुरू होगा और उसी को हम क्रिएशन पॉइंट कहेंगे। अल्लाह क्रिएट है, वो टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन अब जनाब एक चीज और, मेरे ख्याल से हमें बात करते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं और मेरा इरादा था कि आधा घंटा आपसे बात करूंगा, जी जी, लेकिन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, मेरे कुछ प्री एंगेजमेंट्स हैं, तो या तो ये कि टाइम सेट कर लें किसी और वक्त, और या फिर आप अपने सवाल और लिख लीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर ऑनलाइन होंगे। जी जी जी, ठीक है, आपने काफी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस एक पॉइंट जो है आपसे पूछ लूं कि मतलब आपके समझ से जैसे अल्लाह का कोई शेप नहीं है, अल्लाह का कोई ड्राइंग नहीं है, पेंटिंग नहीं है, लेकिन अल्लाह जो है उनको गुस्सा भी आता है, वो सोचते भी हैं, तो ये कैसे है, ये कैसे फिट होता है? ये किसने कहा कि अल्लाह सोचते हैं? ये तो हमने नहीं कहा कभी। उन्हें गुस्सा आता है, खफा होते हैं। गुस्सा जो है ये हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, अल्लाह की फीलिंग, अल्लाह इमोशंस फ्री है। हाँ, अल्लाह ताला की मर्जी और नाराज, ये यानी इसको आप कह लीजिए कि इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेजर और डिसप्लेजर, यानी अगर हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेगा, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ इंसान करता है तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला को एक ही वक्त में रहम आना और एक ही वक्त में गुस्सा आना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह क्रिएटर है। एक आदमी को एक ही वक्त में गुस्सा और एक ही वक्त में मोहब्बत नहीं हो सकती, या तो वो गुस्सा होगा एक इमोशन होगा या दूसरे इमोशन में होगा। अल्लाह ताला दोनों चीजें अगर एक साथ कर रहा है, यही क्रिएटर होने की दलील है उसकी। ठीक है ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल कर लूं बस छोटा सा, कि मेरे समझ से ये जैसे बहुत है, जैसे काबा में जो वो पत्थर मारते हैं 3 पिलर्स पे, जैसे वो जो है एक सिंबल है, क्या बोलते हैं, शैतान के, तो उसी तरीके से अगर क्या खुदा भी जो है या अल्लाह भी जो है वो एक इलाहत है, वो एक सिंबलिज्म है? नहीं, इसलिए कि शैतान क्रिएटर नहीं है, जो क्रिएशन है उसका सिंबल हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्रिएटर का, क्रिएटर जो है वो सिंबल फ्री है, वो शेप फ्री है। तो हम इस बात को मान लें कि अल्लाह के अलावा पूरी कायनात जो है वो ऐसी है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हो सकता है कभी तक वहां तक ना पहुंचे हों। जो शैतान है जिसको हम कंकरियां मारते हैं हज में, तो वो भी क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है, इसलिए उसका एक सिंबल है। अल्लाह ताला का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला का सिंबल आपके सिस्टम में नहीं है, हिंदुइज्म में जो है बहुत सारे वो बुद्ध की पूजा करते हैं। खैर, मेन पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है और वो सबसे फ्री है, लेकिन वो एक फिजिकल किताब जो है वो भेज सकते हैं, मतलब वो सोचते हैं, मतलब किसी लेवल पे तो वो सोचते हैं ना, कुछ करते हैं, दिमाग में उनके कुछ चलता है। अल्लाह ताला की ये जो कलाम आया है, ये अल्लाह ताला का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, अल्लाह का कैरेक्टरिस्टिक है ये, अल्लाह ताला का, और ये जो यानी जो पूरी कायनात है ये अल्लाह ताला का क्रिएशन है। दोनों में आप इसको फर्क कीजिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उन्होंने ये लिटरल शब्द जो है जिब्राइल के थ्रू जो भेजे हैं, वो तो मतलब लिटरली कुछ कहा, अल्लाह ने किसी को कुछ कहा और फिर भेजा ना, मतलब वो एक इंसान की तरह बात करते हैं। नहीं, ये क्या जरूरी है कि इंसान की तरह बात करें? क्या बात करना सिर्फ इंसान के साथ लिमिटेड है? क्या जानवर बात नहीं करते? इंसान के साथ तो लिमिटेड नहीं है ना, ठीक है, मतलब ये कि जो इंसान नहीं है वो भी बात कर सकता है, तो अल्लाह ताला जो इंसान नहीं है बल्कि इंसान का खालिक है, क्या वो बात नहीं कर सकता? ठीक है, लेकिन वो बात करते हैं, मतलब उन्होंने जो है जिब्राइल को कुछ कहा, जिब्राइल ने आके फिर जो है मोहम्मद साहब को कुछ कहा, ठीक है, मतलब यही सोच है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा जिब्राइल के जरिए, जिब्राइल ने वो पैगाम लेकर आए आसा वसल्लम के पास। ठीक है ठीक है, धन्यवाद यासिर साहब, आपने इतना जो है वक्त दिया हमें, बहुत ही हम टाइम से आगे चले गए और फिर भी जो है ने समय दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत जी, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आपसे, धन्यवाद बहुत बहुत जी, टेक केयर, बाय बाय।